हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवरतन जांगी, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी, स्वागत है आपका सीएलसी के दंगल टेस्ट सीरीज में। आज हो चुकी है 7 जुलाई और दंगल नंबर आपका 3। उम्मीद आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और नीट एग्जाम के मैच कुछ ही दिन शेष बाकी है और इन अंतिम टाइम के अंदर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपने पूरे साल भर बहुत ही कठिन जी तोड़ आपने मेहनत की है। आपने हर क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने क्लास को लिया है। आपने रात को आपने 8 बजे से 1 बजे तक कैंप में बैठकर सैकड़ों घंटे आपने पढ़ाई की है। आपने इतने टेस्ट दिए स्टूडेंट्स कि आपके कंपिटिटर कोई भी आपके आसपास नहीं है। अपनी मेहनत को पहचानो और विश्वास बनाए रखो, आप इस आने वाले टेस्ट के अंदर आप नीट एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। आराम से कूल माइंड से आपको स्टूडेंट्स पेपर देने हैं और यदि इन दंगल टेस्ट सीरीज में आपका एक या कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है, कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ सकता है, तो स्टूडेंट घबराओ मत। आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में, मान लो वो क्वेश्चन नीट में आ जाता, अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन से आप सीखो और अपन फाइनल नीट के अंदर गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इसके अंदर स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा है तो अपन बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इन NO2, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस बॉन्ड एंगल ऑर्डर आपको पूछा है, तो स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड है ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर अपन स्टूडेंट्स NO3 माइनस के बारे में अपन बात करें, अगर अपन NO3 माइनस के बारे में स्टूडेंट्स बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, SP2, ठीक है ना। नाइट्रेट की स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर क्या होगी, ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से और ये डबल बॉन्ड और यहां पर क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा स्टूडेंट SP2 और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा 120। अगर स्टूडेंट्स अपन बात करें NO2 प्लस की, तो NO2 प्लस की अगर आप स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये नाइट्रोजन और इसके पास में ये दो सराउंडिंग अपने ऑक्सीजन की कंप्लीट कर दी, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर स्टूडेंट्स कौन सा होगा SP और बॉन्ड एंगल यहां पर कितना होगा 180 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स आप बात करो NO2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर अपन NO2 के बारे में अपन बात करें तो यहां पर आप जानते हो साइड एटम की EN क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा। साइड एटम की EN ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार से हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रेक्शन ऑर्बिटल हो रहा है और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन SP2 तो आप कहोगे लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो आप कितना बताओगे मोर देन 120 डिग्री। एग्जैक्टली बात करें तो इसमें 134 डिग्री होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो कि यहां पर बॉन्ड पेयर होता तो 120, लोन पेयर होता तो लेस देन 120 और यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो यहां पर मोर देन 120। तो स्टूडेंट्स आंसर अपना आ गया है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके अंदर होगा SP, है ना, SP हाइब्रिडाइजेशन 180, उसके बाद में 134 और फिर यहां पर 120 के अराउंड आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इस क्वेश्चन में अपने को पूछा है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जब भी क्वेश्चन आए, अभी अंतिम समय है, आपको ये डिटेल में पढ़ने का समय नहीं, अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान रखें कि अगर अपन बात करें कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, और उसके अंदर अगर एक भी ट्रांसपेयर अगर सेम आ गया, एक भी ट्रांसपेयर अगर क्या आ गया सेम, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आप ये ध्यान रखें ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यदि स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर केस के अंदर आपको एक भी ट्रांसपेयर सेम नहीं मिल रहा है, जैसे सपोज करो आपको हर, है ना, हर ट्रांसपेयर आपको डिफरेंट मिल रहा है, तो आपको अगर लेफ्ट एंड राइट साइड अगर मान लो सेम मिल जाए, ठीक है ना, अगर लेफ्ट और राइट साइड जो है वो क्या मिल जाए सेम, तो भी क्या होगा ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। और वैसे अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री से अपन चेक कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स अपन बात करें यहां पर अपन फर्स्ट केस की, अगर अपन बात करें तो यहां पर जो फर्स्ट केस अपने को दे रखा है इसके अंदर MA3B3 केस दे रखा है, तो स्टूडेंट्स अगर अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात करें तो MA3B3 के अंदर फेसियल और मेरिडाइनल दो ही कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर अपन मैं आपको ये बोलता हूं जैसे फॉर एग्जांपल आपको मर आइसोमर के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर लिगेंड ए जो है अमोनिया, मान लो आप एक ही जगह पर, है ना, और यहां पर ये मैं बी मान लेता हूं क्लोरीन को, तो आप ये कह सकते हो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये एक ट्रांसफेयर आपको सेम मिल गया तो ये स्लाइस कट के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी, तो आप ये कह सकते हो ये क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका मर आइसोमर आपने देख लिया, चलो अपन फेसियल के बारे में देखते हैं।
अगर इसका आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर फेसियल वाला बनाते हो तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि एक सेम लिगेंड को अगर अपन जो है सिस पोजिशन पर रख देते हैं एक दूसरे के, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया स्टूडेंट? अपन दूसरे टाइप के लिगेंड को अपन यहाँ पर रख देते हैं, तो ये कौन सा होगा? फेसियल हो गया। अब इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स, ट्रांसपेयर आपका एक भी सेम नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ट्रांसपेयर आपका एक भी सेम नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो ये अपने पास एक ट्रांसपेयर डिफरेंट हो गया ए बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो साइड ए बी है और यहाँ की साइड ए बी है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो ये 100% क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनके अलावा जितने भी आप कॉम्प्लेक्स देखते हो, अगर ये दो केस आपको नहीं मिलते हैं तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव। बात क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इतना क्वेश्चन में सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो मैंने आपको दो पॉइंट बताए। एक तो अगर मान लो सेम ट्रांसपेयर अगर आपको मिल गया तो वो आपको क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर एक भी ट्रांसपेयर आपको सेम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, फिर दो साइड अगर आइडेंटिकल आपको मिल जाती है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो स्टूडेंट ये वाला आपका आंसर जाएगा, ये यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 53, इसमें पूछा है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स पूछा है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। अपन अगर CO2 की बात करें तो स्टूडेंट CO2 जो है वो अपने को पता है कि CO2 के अंदर यहाँ पर लेस EN2 हाई EN एक प्रकार से अपन डायरेक्शन शो करेंगे, और यहाँ पर इसके बॉन्ड मोमेंट के डायरेक्शन यहाँ, तो यहाँ पर वेक्टर सम कितना आएगा स्टूडेंट, जीरो। तो ये क्या होगा, यहाँ पर नॉन पोलर होगा, ठीक है ना। अगर अपन बात करें स्टूडेंट CH4 के बारे में, तो CH4 के बारे में अपन बात करें तो स्टूडेंट ये क्या होगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप होगी, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, और यहाँ पर टोटल वेक्टर सम कितना आएगा बोलो, यहाँ पर भी जीरो आएगा। तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, नॉन पोलर। अपने को तो मैक्सिमम पोलर पूछा है, तो अपने पास अब यहाँ पर एग्जाम्पल हुआ है NS3, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कल के टेस्ट में भी आपको सोल्व हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर लॉन पेयर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लॉन पेयर के कारण तो डायरेक्शन इधर होगी, और इस पिरामिडल शेप के कारण जो वेक्टर सम आएगा वो एडिटिव सम देगा। कैसा देगा, एडिटिव सम। तो यहाँ पर म्यू का मान इस टाइप से निकलेगा, लेकिन अगर अपने को NF3 दिया स्टूडेंट तो यहाँ पर लॉन पेयर हो गया और ये पिरामिडल शेप के अंदर तीन फ्लोरीन हो गए। यहाँ पर स्टूडेंट EN ज्यादा किसकी है बोलो, फ्लोरीन की। तो यहाँ पर इस पिरामिड का वेक्टर किस साइड में आएगा बोलो, इस साइड में, और लॉन पेयर का किस साइड में आएगा बोलो, इसके एंटी पैरेलल। तो आप ये कह सकते हो कि एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू तो जरूर आएगी, ये कंपाउंड पोलर तो होगा लेकिन पोलरिटी का मान जो है वो अमोनिया की तुलना में क्या होगा, कम। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट कौन से का आएगा स्टूडेंट, आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CsI3। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो नीट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज ध्यान रखें, अगर अपन केस बात करते हैं पॉलीहैलाइड की, अगर अपन केस की बात करते हैं पॉलीहैलाइड, तो स्टूडेंट अगर अपन पॉलीहैलाइड की बात करें तो आप ये बोलते हो कि F3- Cl3- Br3- और I3-, ये अपन अगर इनकी बात करें तो स्टूडेंट ये वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन के पास में वैकेंट D क्या है बोलो, अब्सेंट है। यहाँ पर वैकेंट D अब्सेंट है, और वैकेंट D अब्सेंट है तो आप ये कह सकते हो कि फ्लोरीन को यहाँ पर ये F- लॉन पेयर नहीं दे सकता, इस टाइप की स्पीसीज नहीं बनेगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेडी क्राउडिंग की और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये Cl3- भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पॉलीहैलाइड जो हम एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, एक तो है ना Br3- और एक कौन सा I3-। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लार्ज एनायन है, ये क्या है स्टूडेंट्स, लार्ज एनायन। और लार्ज एनायन जो है वो किसके साथ में स्टेबल होंगे स्टूडेंट्स, ये स्टेबल होंगे किसके साथ में, लार्ज कैटाइन के साथ में। ये लार्ज कैटाइन के साथ में क्या होंगे, स्टेबल। अब लार्ज कैटाइन, सबसे अच्छे लार्ज कैटाइन अपने पास कौन से हैं स्टूडेंट, सोडियम प्लस हुआ, पोटेशियम प्लस हुआ, ठीक है ना, Rb प्लस हुआ और Cs प्लस। इसके अंदर भी अपन बात करें स्टूडेंट तो सोडियम के साथ में ये पॉलीहैलाइड इतने अपन नहीं देखते हैं, ज्यादा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन ज्यादातर ये आपको पॉलीहैलाइड की बात आती है तो ये एस ब्लॉक के फर्स्ट टाइम में किसके साथ में मिलते हैं आपको, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के साथ में, इसलिए कंपाउंड आपको CsI3 दे रखा है।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आप ये तो जानते हैं कि सीएस के अंदर सीजीएम जो है वो हमेशा 100% किस में होगा स्टूडेंट्स, प्लस वन में होगा। तो यहाँ पर जो I3 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इस पर यहाँ पर क्या चार्ज होगा 100% I3 पर क्या होगा माइनस। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट यहाँ पर कितना आएगा -1/3, और इसकी एग्जिस्टेंस को भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा आंसर कौन सा होगा आपको फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 55। क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको टिक करना है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ध्यान रखना। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ SR+2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B+2। देखो स्टूडेंट्स, जो आयन जितना ज्यादा स्मॉल होता है उसका हाइड्रेशन उतना ही क्या होगा ज्यादा। तो आप ये कहोगे कि SR+2 और B है ना, SR+2 और Be+2 के अंदर आप ये बताओ साइज जो है वो इस साइड में जाने पर आपको पता है कि साइज डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर हाइड्रेशन जो है वो क्या होगा इंक्रीज होगा, और हाइड्रेशन इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इंक्रीज होगी। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन जो है वो इंक्रीज होगी, या फिर आप ये कहोगे कि जो सबसे छोटा होता है वो वाटर में सबसे बड़ा, तो हाइड्रेशन बी का ज्यादा होगा, तो आप ये कहोगे कि ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया गलत। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर देन BaCO3। स्टूडेंट्स एक चीज देखो आप, अगर अपन बात करें BCO3, MgCO3, ठीक है ना, CaCO3, SrCO3 और BaCO3, स्टूडेंट अगर अपन इनके अंदर बात करें तो अपन जानते हैं कि कार्बोनेट जो क्या होगा लार्ज एनायन विथ स्टेबलाइज विथ लार्ज कैटाइन, तो स्टूडेंट इस साइड में जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी क्योंकि कैटाइन की साइज बढ़ रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब होगा कि स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में BaCO3 की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, और थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर कौन डिकम्पोज होगा ये वाला, ये तो इससे पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है स्टूडेंट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, BaOH का होल ट्वाइस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन MgOH का होल ट्वाइस। स्टूडेंट्स ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर किससे देखते हैं बोलो, है ना, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट ये अपन आईपी से भी रिलेट कर सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। अगर मैं बात करूं आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, नीचे जाने पर इनकी अगर हाइड्रोक्साइड है तो आप जानते हो नीचे जाने पर आईपी डिक्रीज होगा, और आईपी डिक्रीज होगा तो बेसिक नेचर यहाँ पर क्या होगा बोलो इंक्रीज होगा। इन डाउन द ग्रुप आप ये कहोगे कि बेसिक नेचर क्या होगा इंक्रीज। तो आप मुझे बताओ कि BaOH का होल ट्वाइस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, यस इट इज स्ट्रॉन्गर बेस, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, SrSO4 इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन कैल्शियम सल्फेट। स्टूडेंट आप अगर सोल्यूबिलिटी की बात करते हो तो अपने पास अगर फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप की अगर अपन बात करें तो जनरली फर्स्ट ए में इंक्रीज होती है सोल्यूबिलिटी और जनरली सेकंड ए में डिक्रीज होती है, इनके कुछ एक्सेप्शन भी है। तो ये सल्फेट जनरली है ना, जनरली वाले केस में आएगा स्टूडेंट, तो नीचे जाने पर आप जानते हो SrSO4 लेस सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम सोल्यूबल, है ना, कैल्शियम सल्फेट, तो आंसर विल बी फर्स्ट, है ना, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एक कॉम्प्लेक्स दिया है, और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है ना, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, और आप मुझे बताओ कि क्रोमियम का ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इस कॉम्प्लेक्स में आपने स्टूडेंट सबसे पहले क्या निकाला होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम स्टूडेंट्स कितना आया बोलो यहाँ पर +3। क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन क्या लिखते हो स्टूडेंट्स, आर्गन 3D5 4S1, यहां से तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Cr+3 का कॉन्फिगरेशन क्या आएगा स्टूडेंट 3D3। आप तो मुझे ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ बोलो ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग किस टाइप की होती है, ये इस टाइप से। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तीन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरोगे T2G में, और तीन इलेक्ट्रॉन T2G में भरोगे तो T2G ऑर्बिटल कौन से होते हैं स्टूडेंट DXY YZ और XZ, आंसर विल बी फर्स्ट। अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट कौन सा है 57 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। स्टूडेंट्स अगर अपन बॉन्ड एनर्जी की अगर अपन बात करें तो जितने छोटे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड उतना मजबूत बनता है,
ठीक है ना, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ने पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होती है। लेकिन स्टूडेंट थोड़ी गड़बड़ होती है यहाँ पर फ्लोरीन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, ठीक है ना। अगर अपन बात करें जैसे कार्बन कार्बन, सिलिकन सिलिकन, जर्मेनियम जर्मेनियम, नीचे जाने पर बनने वाले बॉन्ड में साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है वो बढ़ रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है, विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो डिक्रीज होगा, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन ये जनरल केस जो है ना स्टूडेंट, ये फ्लोरीन वाले केस में लागू नहीं होगा। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर नीचे जाने पर बॉन्ड कमजोर होता जाना चाहिए था, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर नीचे जाने पर डिक्रीज होती है ना। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन में क्या है स्टूडेंट्स, लॉन पेयर रिपल्सन, और लॉन पेयर रिपल्सन वैसे तो सबसे मजबूत बॉन्ड होना चाहिए था क्योंकि छोटे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, लेकिन ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन आप ये कह सकते हो एक्सपेक्टेड से क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी कम। और स्टूडेंट ये ऑर्डर ध्यान रखें आप, यहाँ पर आप कह सकते हो कि F2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो Br2 से भी क्या होती है, कम। तो स्टूडेंट आंसर कौन सा होगा अपना, Cl2, Br2, F2 और I2, आंसर विल बी फर्स्ट। स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें कि फ्लोरीन क्लोरीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके कारण जो होते हैं उसमें एक तो लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी कारण बनते हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड लीस्ट स्टेबल एंड हैज डाउटफुल एग्जिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अपन जानते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट पेयर इफेक्ट में अपन जानते हैं स्पेशली 13, 14 एंड 15 के अंदर लगता है। आप जानते हो स्टूडेंट, आप इसके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी बताते हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर NH2NP1 कॉन्फ़िगरेशन, NH2NP2, NH2NP3। तो स्टूडेंट यहां पर अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करे तो प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपन स्टूडेंट्स कौन सी बताएंगे बोलो, यहां पर अगर सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो प्लस थ्री, इसकी हायर कौन सी होगी प्लस फोर, और यहां पर कौन सी होगी स्टूडेंट प्लस फाइव। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, नीचे जाने पर आप जानते हो कि प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो एनएस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन जो है वो ऑन डाउन द ग्रुप एक प्रकार से बढ़ेगा, तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट लेने की टेंडेंसी क्या होगी कम। इसका मतलब एनएस इलेक्ट्रॉनों के पार्टिसिपेट होने की टेंडेंसी क्या होगी कम, तो केवल आप ये कह सकते हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी। तो आप मुझे बताओ पीबी कौन से ग्रुप का है, पीबी कार्बन फैमिली का है, और आप जानते हो लोअर की नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यहां पर हायर की अगर अपन बात करें पीबी प्लस फोर ये क्या होगा लेस स्टेबल होगा, और आप जानते हो आई माइनस क्या है बोलो रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंट्रा मोलिक्यूलर रिडॉक्स हो जाएगी स्टूडेंट्स पीबी आई टू प्लस I2। तो ये कंपाउंड जो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। स्टूडेंट एक्वस सॉल्यूशन में आयन जितना छोटा होगा, हाइड्रेटेड साइज जितनी छोटी होगी उसकी मोबिलिटी उतनी क्या होगी ज्यादा। तो अपने को ये देखना है, देखो स्टूडेंट अपने पास जितना लार्ज कैटाइन होगा, लार्ज कैटाइन होगा उसकी आप ये कह सकते हो हाइड्रेटेड साइज उतनी ही, हाइड्रेटेड साइज कैटाइन अगर मान लो लार्ज है ठीक है ना, तो हाइड्रेटेड साइज उसकी क्या होगी स्टूडेंट, हाइड्रेटेड साइज लार्ज कैटाइन है तो हाइड्रेटेड साइज उसकी क्या होगी कम, और उसकी मोबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स ज्यादा, और मोबिलिटी ज्यादा होगी तो स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी क्या आएगी बोलो ज्यादा। तो इनके अंदर आप ये कह सकते हो सबसे बड़ा आयन कौन सा है Ba प्लस टू, लेकिन वाटर के अंदर ये सबसे छोटा हो जाएगा, हाइड्रेटेड साइज वाटर के अंदर सबसे कम किसकी होगी Ba प्लस टू की, तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी आएगी स्टूडेंट्स Ba प्लस टू की, आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60। ये स्टूडेंट क्वेश्चन बिल्कुल इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये अपन अगर बात करना चाहें, देखो अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली की बात करें है ना, तो ये एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हो नीचे जाने पर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पर हायर की स्टेबिलिटी जो है वो नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, हायर की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब आर्सेनिक प्लस फाइव है ना, एंटीमनी प्लस फाइव और बिस्मत प्लस फाइव, इनमें सबसे कम स्टेबल कौन होगा बिस्मत प्लस फाइव, और लोअर की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। तो आप एक स्टूडेंट देखो आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत, अगर
एनएस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आप कहोगे एनएस इलेक्ट्रॉन जब अगर भाग नहीं लेंगे तो एक प्रकार से एनपी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो प्लस थ्री जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर नाइट्रोजन फैमिली, तो आप ये कह सकते हो नीचे जाने पर प्लस थ्री की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन FeCO। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को बेस मानकर है कि आप यहां पर एक्स का मान कितना रखें कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल यहां पर फॉलो हो। तो एफ ई यहां पर कौन सी सीरीज का है स्टूडेंट, 3D, कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का, और फोर्थ पीरियड में इनर्ट गैस कौन सा आएगा स्टूडेंट, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एफ ई अगर कितने को फॉलो करे बोलो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए 36। अगर स्टूडेंट्स एक्स बराबर में यहां पर 5 रख देता हूं तो यहां पर एफ ई सी ओ है ना, एफ ई सी ओ 5 के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है 26, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो आप ये कह सकते हो 26 और 10 यहां पर कितना हो गया 36। तो एक्स का मान अपने को कितना पुट करना चाहिए यहां पर कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62। स्टूडेंट डी ब्लॉक के अंदर अपने दो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्पेशली आपको दो तीन बातें उसमें ध्यान रखनी, एक तो फॉर्मेशन का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और दूसरी बात यह कि KMnO4 जो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो यहां पर MnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर बिल्कुल Mn+2 में रिड्यूस होगा, और ये I2 का ऑक्सीडेशन करेगा किसके अंदर, I2 के अंदर, किसमें करेगा बोलो, I2 में। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर ये KMnO4 को अपन अगर परमैंगनेट को अपन बेसिक मीडियम में यूज करते हैं तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन ये किसमें करता है बोलो, आयोडेट के अंदर, किसमें करता है, आयोडेट में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कौन सा होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने सोल्व कर लिए होंगे स्टूडेंट, या करोगे आप नेक्स्ट आगे फिजिकल केमिस्ट्री के। अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपके इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है, अगर बाय द वे सिली मिस्टेक भी हो जाती है, तो पेपर देते टाइम आपको घबराना नहीं है, आपको ये सब चीज़ें आपकी बहुत ढंग से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, आपका क्वेश्चन जो है वो आपकी की हुई मेहनत आपको जरूर क्लिक करेगी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NO2 के अपन बात करें तो NO2 स्टूडेंट अपन जानते हैं कि ये यहाँ पर इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो ये स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp2, और बॉन्ड एंगल आपको अभी आज इंपॉर्टेंट है इसका आया भी है 120, मोर देन 120, ठीक है ना, मोर देन 120। और ये क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्टूडेंट यहाँ पर, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। अगर ये NO2 जो है वो डाइमर बनाता है, क्या बनाता है, डाइमर, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो डाइमर अगर ये बनाता है, और एक दूसरा यहाँ पर NO2 का मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ले लिया, तो डाइमर बनाएगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बोलो, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है, तो बोथ आर पैरामैग्नेटिक, नो, बोथ आर डायमैग्नेटिक, नो, NO2 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल N2O4 इज डायमैग्नेटिक, यस इट इज करेक्ट, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 92, तो इसमें स्टूडेंट्स अपने को डायगोनल रिलेशनशिप पर क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए है, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेरिलियम और अगर अपन एल्यूमिनियम की बात करें स्टूडेंट, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, और ऐसे कौन से एलिमेंट है वो भी आप पेयर जानते होंगे स्टूडेंट्स। अगर बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बारे में अपन बात करें तो बोथ आर एम्फोटेरिक, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर अपन इसके कार्बाइड की बात करें स्टूडेंट, तो बिल्कुल बेरिलियम का कार्बाइड Be2C बनता है, और एल्यूमिनियम का बनता है Al4C3। Be2C का आयन कौन सा होगा स्टूडेंट, 2Be+2 होगा, और यहाँ पर C-4 होगा, और इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे स्टूडेंट, 4Al+3 और 3C-4, इसमें कौन से आयन होंगे बोलो। अब इस आयन का नाम क्या होता है स्टूडेंट, मेथेनाइड, क्यों, क्योंकि जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर के साथ में अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या बनता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्या बनता है, मेथेन, तो इसका आयन का नाम क्या होगा, मेथेनाइड। आप यहाँ पर अगर वाटर के साथ में आप रिएक्शन करवाते हो, तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देखो 12 अपने को HOS लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
और यहां पर क्या बनेगा स्टूडेंट, 3CH4 मेथेन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। तो इसमें बिल्कुल B2C और L4C3 कार्बाइड जो है वो आयोनिक नेचर के होंगे और इसमें कौन सा आयन रखते हैं, ये मेथेनॉइड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, बोथ हैव सेम मैक्सिमम कोवलेंसी। स्टूडेंट ये पॉइंट गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि बेरिलियम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। बेरिलियम कौन से पीरियड का, सेकेंड पीरियड। और सेकेंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, मैक्सिमम कोवलेंसी अप टू 4, ठीक है ना, कौन सी, अप टू 4। और अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम की, तो स्टूडेंट ये कौन से पीरियड का है बोलो, थर्ड पीरियड का है। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवलेंसी कैन बी एक्सपेंडेड अप टू 6। तो आंसर यहां पर कौन सा होगा, अपने को रॉन्ग पूछा है तो ये, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी अपन पढ़ते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम कंसंट्रेट SNO3 के साथ में पैसिव होते हैं, है ना, इनर्ट होते हैं। तो इसका कारण क्या है, इनर्ट ऑक्साइड लेयर बन जाती है। बाकी आप ये कह सकते हो कि कंसंट्रेट SNO3 के साथ में तो हर कोई रिएक्शन कर लेगा, हर कोई मेटल डिजोल्व हो जाएगी, सिवाय किसको, AU और PT को छोड़कर, ठीक है ना। तो AUPT किसमें डिजोल्व होती है, एक्वा रेजिया में, किसमें होती है, एक्वा रेजिया में। लेकिन AUPT के अलावा ये डिजोल नहीं होती है, लेकिन इनर्ट कौन हो जाते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट ऑक्साइड लेयर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है, इनकरेक्ट अपने को पूछा था, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर एक ग्रुप के आपको हाइड्राइड दे रखे हैं, ठीक है ना, ग्रुप के आपको हाइड्राइड दे रखे हैं, अमोनिया फॉस्फीन इस टाइप से, है ना, ये आपको हाइड्राइड दे रखे हैं स्टूडेंट। और वैसे अपन जब अपन ड्रेगो रूल से बियॉन्ड बात करें, तो यहां पर अगर लॉन पेयर प्रेजेंट हो, इफ लॉन पेयर प्रेजेंट हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है ना, ऑन मूविंग डाउन इफ, है ना, सेंट्रल एटम चेंज, सेंट्रल एटम अगर चेंज होता है, स्पेशली अगर अपन बात करें कि साइज, अगर सेंट्रल एटम की साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर मान लो इंक्रीज होती है, या फिर EN ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, तो रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर विल बी लेस, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल यहां पर क्या होगा, डिक्रीज। स्टूडेंट यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता, तो बॉन्ड एंगल जो है वो यहां से यहां थोड़ा ही डिक्रीज होता, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन है तो यहां पर बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा डिक्रीज होता है, और यहां पर जितने भी बॉन्ड एंगल है वो 90 के आसपास होते हैं। तो स्टूडेंट ये ड्रेगो रूल यही कहता है कि अगर लेस ईएन वाला साइड एटम होता है तो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सटेंट क्या होता है, कम। तो लेकिन फिर भी बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली कितना होगा, इसका 107 डिग्री होता है, इसका 94 के आसपास होता है, यहां पर 92 डिग्री होता है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक स्पीसीज की बात करें, तो वैसे NO तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, हर कोई जानता है कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना, NO तो पैरामैग्नेटिक है। लेकिन स्टूडेंट NO- की अपन बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, MOTC अगर अपन देखेंगे तो ABMO के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, तो ये वाला कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट 95, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें, तो अपने को जो एग्जांपल दे रखे हैं, स्पेशली अपने को H2O दे रखा है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लुईस बेस होगा। अगर अपने को अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया के अंदर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी अच्छा लुईस बेस होगा। OH- आपको पता है एज ए लिगेंड भी काम करता है, ये भी लुईस बेस होगा। लेकिन यहाँ पर BF3 के पास तो आप ये कहोगे कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर अब्सेंट है, और लोन पेयर अब्सेंट है तो ये लुईस बेस तो हो ही नहीं सकता। इवन इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये तो लुईस एसिड होगा, क्या होगा, लुईस एसिड होगा। और इसमें तो बैक डोनेशन के कारण भले ही लुईस एसिड करेक्टर थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, Bi3 की तुलना में ये वीक लुईस एसिड है, लेकिन ये तो लुईस एसिड है, लुईस बेस की बात अपने को करनी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, थर्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये आपने फिजिकल में सॉल्व कर लिए होंगे या फिर आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपका क्वेश्चन, आपका कोई अगर बाय द वे आपका कोई सिली मिस्टेक भी हुई है, तो ऐसी जल्दबाजी आप नहीं करें, आपको ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से आपने पढ़ रखी है, पेपर को बड़े आराम से आप दो। और नेक्स्ट दंगल के लिए आपको शुभकामनाएं, और नीट फोड़ने के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, थैंक यू। वेलकम बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा, केमिस्ट्री फैकल्टी टीम CLC से। आपकी दंगल की सीरीज आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम कर रही है, इसको लेकर मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ, आश्वस्त बेवजह नहीं हूँ, कारण है। अगर मैं उन कारण पर बात करूँ, लाखों लोगों की भीड़ से हमारे CLCN अलग क्यों है, आप अलग क्यों हैं, उसके पीछे वजह है बेटा समय पे सिलेबस की पूर्णता होना, CLC की एक यूनिक पहचान,
10 मार्च को आपने अपना सिलेबस पूरा किया और वहां से लेके यहां तक आपको एक सफिशियंट टाइम मिला जिसमें आपने अपनी तैयारी को निखारा। अब उसमें अंतिम दौर में एकदम लास्ट फिनिशिंग टच में आप दंगल दे रहे हैं। इससे पहले आप टेस्ट सीरीज के द्वारा 10,000 सवालों से गुजर चुके हैं। यह दंगल आपको 2,000 सवाल और देगा। लगभग 14 जुलाई तक आप 12,000 सवाल 4 महीने में 101 टेस्ट 127 दिन, सुनने में अजीब लगता है, किसी भी कोचिंग में, हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। 127 दिन 101 टेस्ट, यहाँ अपन कहें तो ये नंबर ही अपने आप में अपन कहें तो एक लकी नंबर है 101 टेस्ट दे करके। और 11वां दंगल, 10 दंगल आप यहाँ देंगे, वहाँ भी एक यूनिक नंबर, 11वां दंगल आप वहाँ देंगे, नो डाउट आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और उसके अलावा आपकी जो पावर है, पिछले लगातार 4 महीने में या उससे भी पहले लगातार आप कंटिन्यू जब इंस्टीट्यूट में हैं तो नाइट कैंप अटेंड करना, 4 महीने से लगातार बॉस आपके साथ रात को 12-1 बजे तक जगते हैं, लगातार आपकी तैयारी, जहां भी आपको दिक्कत आती है वो आपको सॉल्व कराते हैं। और इतने बिजी शेड्यूल के होने के बाद 17 दिन में 70 मीटिंग द्वारा आपसे हर इंडिविजुअल से मिलना और आपको आपका एक स्कोर कार्ड देना कि आपको ये अचीव करना है, आप ये अचीव करेंगे। तो बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं और लोगों से, लाखों लोगों से आपको अलग बनाती हैं। और मैं आपसे ये भी अपील करूँगा, ये जो तैयारी आपके साथ रही, आपके साथ जो पूरा काम हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हमारे अगले CLCNs के साथ हमेशा से ये परंपरा है, आगे भी रहेगी। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को या परिवार के और लोग या आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो इस फील्ड में मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अब तो ये भी बोलूँगा नेवी एयरफोर्स की तैयारी भी करना चाहते हैं या प्री फाउंडेशन में आना चाहते, तो उनके लिए हर मंडे को नए बैच शुरू होते हैं। आप उनको भी एक बेहतर जगह पे भेजिए ताकि वो भी मिसगाइड नहीं हो, वो भी एक अच्छी तैयारी करके अपने मुकाम को हासिल करें। आप करने वाले हैं, वो भी करें। बाकी 17 की शाम हमारी है, अब की बारी आधी दिल्ली एम्स हमारी। जय जय CLC। बाकी की बातें अपन और करेंगे, लेकिन अभी अपन पेपर के सॉल्यूशन पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग ब्रोमाइड्स इज, आपके सामने 3 ब्रोमाइड मॉलिक्यूल दिए गए हैं और उनके लिए आपसे पूछा गया है SN1 रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर लगाना है। आप देखो बेटा, SN1 आप जानते हैं वाया कार्बोकेटायन कंप्लीट होती है। SN1 में होता क्या है, लिविंग ग्रुप रिलीज होता है, BR जाएगा, केटायन 1 डिग्री फॉर्म होगा, BR यहां से जाएगा, केटायन 2 डिग्री, ओनली 2 डिग्री नहीं बेटा, एलाइलिक 2 डिग्री फॉर्म होगा, और ये जाएगा तो ओनली 2 डिग्री फॉर्म होगा। तो आप जानते हैं SN1 में केटायन बेस्ट है तो रिएक्टिविटी बेस्ट है, तो इन तीनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लग रहा है कि बी के अंदर सबसे बेटर है, क्योंकि केटायन के पास रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो बी बेस्ट होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही बी अच्छा दिया हुआ है। तो बी के बाद आपको मालूम है 1 डिग्री 2 डिग्री में से अपन कहें तो अपने को 2 डिग्री लेना चाहिए, मतलब सी लेना चाहिए, इसलिए थर्ड आंसर जाएगा, फोर्थ नहीं जाएगा, थर्ड फाइनल आंसर है। तो आप रेगुलर, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से ऑप्शन की पूरी हेल्प लें। आपको एक फर्स्ट सीन में जो समझ में आ जाता है कि बेस्ट कौन था, ये वाला, तो बेस्ट को पहले सेलेक्ट किया तो हम कुछ ऑप्शन हटा सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए, तो यहां पे आंसर है थर्ड। नेक्स्ट देखिए इसके बाद। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Among the following that one that give positive iodoform test upon the reaction with I2NaOH, मतलब वो आपसे कहना चाह रहा है कि आप I2NaOH का यूज करके ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जो आयोडोफॉर्म टेस्ट धनात्मक शो करे, पॉजिटिव शो करे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल। तो अगर मैं इसकी बेसिक की बात करूं तो होता क्या है बेटा, कार्बोनिल मॉलिक्यूल एल्डिहाइड अदरवाइज कीटोन, जिनके अल्फा लोकेशन पे मिथाइल हो, ये अल्फा लोकेशन है, अल्फा मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। अदरवाइज इसमें अल्कोहल या हेलाइड पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट होना क्या चाहिए, उनमें भी आफ्टर रिएक्शन I2NaOH रिएक्शन के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद हम कहें तो यही वाला मॉलिक्यूल फॉर्म हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखता हूं तो मुझे लगता है ये हेलोफॉर्म के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है बेटा पेंटेन थ्रीओल, ये मॉलिक्यूल गिवन। अब यहां पे आप इसे ऑक्सीडाइज कर भी देंगे तो ये कन्वर्ट होगा पेंटेन थ्रीओन में, और पेंटेन थ्रीओन क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का काम आपका ये कॉम्बिनेशन कर देगा, ये बताया जाता है। तो यहां पे अपन कहें तो मिथाइल नहीं है, हेलोफॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट वाले में जाओगे तब भी वही, आपके पास जो मॉलिक्यूल है बेंजीन CCOH,
अब आप इसे ऑक्सीडाइज करके अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर भी लेंगे तो अल्फा लोकेशन पे फिर मिथाइल नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। थर्ड में जाओगे तो थर्ड में भी ये बात है, ये वाला ग्रुप कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा बट अल्फा पे मिथाइल नहीं है। यहां पे आप इसे कार्बोनिल में कन्वर्ट करेंगे तो अल्फा पे मिथाइल है, इसलिए आंसर क्या रहेगा बेटा जी, 4 रहेगा। क्लियर? तो हेलो फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन कंडीशन आपको ध्यान में है तो ये बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट रिएक्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट। आपके सामने 4 रिएक्शन है, आपको देखना है मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जहां प्रॉपर हुआ है वो अपना आंसर रहेगा। मुख्य उत्पाद के लिए कौन सी अभिक्रिया सही है, सामने जो प्रोडक्ट है वो मेजर है। देखो बेटा क्या था, इथाइल ब्रोमाइड पे अटैक कराया जा रहा है किसका, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और बीआर को रिलीज कर देगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा, बट यहां ऐसा ना शो करके इसने एल्कीन में कन्वर्ट किया, इसका मतलब रॉन्ग हुआ क्योंकि रिएक्शन तो यहां हो रही थी, ये एल्कीन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, रॉन्ग है। नेक्स्ट पे जाइए, टर्शरी ब्यूटिल के ऊपर सोडियम मेथॉक्साइड का अटैक होना, अब डायरेक्ट अप्रोच तो ऐसा लगता है कि ये यहां जाकर के ईथर बनाएगा, नहीं, आप जानते हैं विलियमसन में होता क्या है, सबस्ट्रेट प्राइमरी लेना बेस्ट प्रोडक्ट के लिए अच्छा रहता है, तो अगर हम यहां पे कहें तो ये प्राइमरी नहीं है, तो रिएक्शन एनएसआर पैटर्न से ना होकर के एलिमिनेशन पैटर्न से होगी, एल्कीन बनेगी जो इसने नहीं दिए, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें जाएं अपन, 3 डिग्री ब्रोमाइड पे एथोक्सी दिया और एथोक्सी ने नेगेटिव ने जाके क्या किया, यहां से ये जो बीटा एच था इसे लिया, इसे लेकर के इसको एल्कीन में कन्वर्ट किया, जो मैं ऊपर वाले में भी बात कर रहा था, बिल्कुल मेजर प्रोडक्ट सही बनाया, इसलिए आपको आंसर थर्ड देना चाहिए, थर्ड जाएगा। फोर्थ में क्या गड़बड़ है, इथाइल ब्रोमाइड पे सोडियम फेनोक्साइड, अब ये जाकर के अटैक करेगा, ब्रोमो को निकालेगा तो फेनिटॉल बनाएगा, जो इसने यहां पे शो नहीं किया, तो इसलिए ये भी रॉन्ग था। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में आपको चारों रिएक्शन के थ्रू वो चेक करना चाह रहा है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक मोस्ट फेमस रिएक्शन होती है एनएसआर एलिमिनेशन कॉम्पिटिशन की, वो चेक करना चाह रहा था कि अपन उसको कितना जानते हैं, तो यहां आंसर जो रहेगा थर्ड रहेगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 77, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन इज, रिएक्शन आपके सामने है, पूरी रिएक्शन कंप्लीट है, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, बेस है, और उसको सेलिसेल्डिहाइड के सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में दिखा रहा है। मोस्ट फेमस रिएक्शन है बेटा राइमन टीमान फॉर्मिलेशन, नाम सुना है, तो राइमन टीमान में अपने कहें तो ये कहना क्या चाहता है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व, रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो देखो क्या होता है, ये बेटा जी क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को आप रिएक्ट कराते हो बेस के साथ, तो बेस जाकर के ये एच रिमूव करे, NaCl रिमूव करे, तो यहां पे डाइक्लोरोकार्बीन एक स्पीसी बनती है जो इस रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है बेटा, सेकंड में प्रॉपर दिया है, थर्ड में, फोर्थ में प्रॉपर नहीं है, तो सेकंड आंसर आएगा इसका बेटा। नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, ये 77 का सेकंड कंफर्म कर लीजिए, फेमस रिएक्शन थी, सब लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब आता है इसमें CH3 नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन, CH3 नेगेटिव अगर अपन कहें तो लेस स्टेबल किससे है ये बताना है आपको। देखो क्या है, CH3 नेगेटिव सुपर 1 डिग्री कार्बन आयन है, अगर मैं इसके कंपैरिजन में फर्स्ट की बात करूं तो ये तो इससे भी अनस्टेबल हुआ। आपको बताना है जो CH3 नेगेटिव है लेस स्टेबल होगा, आपको वो ऑप्शन देखना है, लेकिन यहां पे अगर इससे देखें तो इससे मोर स्टेबल है क्योंकि यहां पे एक डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है, तो ये अपने आंसर में नहीं आएगा, एनायन पे डोनेटिंग इफेक्ट लग गया तो अनस्टेबल होगा, तो आपको तो ये देखना है इसके ये किसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, तो इसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल था तो ये छोड़ दीजिए। यहां पे 2 डोनर आ गए, ये भी छोड़ना होगा, यहां पे भी डोनर और अच्छे हैं, ये भी छोड़ना होगा, ये आपका जो है वो बेस्ट है, रीजन कार्बन आयन के बेस्ट होने का क्योंकि नाइट्रो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है, और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि इस नाइट्रो का यहां पे यू रेजोनेंस इफेक्ट भी है इसको स्टेबल करने का। इसके कंपैरिजन में अगर मैं CH3 नेगेटिव को भी देखता हूं तो बेटर कौन आता है ये, तो इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल कौन हुआ, तो इसलिए आपको यहां पे जो आंसर कंफर्म करना चाहिए वो कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, इसके बाद यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, आपके सामने ग्लूकोज की पाइरेनोज स्ट्रक्चर ड्रॉ है, उनमें से आपको अल्फा बताना है। देखो होता क्या है, ग्लूकोज में कायरल 4 होते हैं बट उसके अंदर एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से 5 कायरल वाला एक प्रोडक्ट बनता है,
जिसको अगर अपन पायरेनोज फॉर्म में शो करें तो ये रहेगा। अब इसमें अब सब स्ट्रक्चर वैसे आपको सेम सी दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक बता देता हूँ क्या रहेगा। देखो ये आपके पास पायरेनोज फॉर्म है, ये उसका फर्स्ट सेंटर है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये वाला फिफ्थ सेंटर है। इनके ऊपर ग्रुप अरेंज करने हैं। तो अगर अपन साइक्लिक हेमिएसिटेल देखें तो बाहर की तरफ इस साइड में, अगर अपन कहें बाहर की तरफ जब अपन ये साइक्लिक हेमिएसिटेल इसका बनाते हैं तो यहाँ बाहर की तरफ OH आना कौन से ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है, बीटा को। और जो ग्रुप बाहर होता है वो पायरेनोज में कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। तो अगर ऐसा है तो बीटा ग्लूकोज अगर आपको बताना है तो बाहर की तरफ OH लगाइए फर्स्ट, उसके बाद अपोजिट, फिर अपोजिट, फिर अपोजिट, फिर अपोजिट लगाते जाओ सारे ग्रुप। बस यही स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन है। एक ग्रुप सही से लगा लो, आगे वाला जस्ट उसके एंटी लगाना, एंटी लगाना, एंटी लगाना, एंटी लगाना, अपोजिट लगाना, एक ऊपर एक नीचे, यू सेटल करना है। ये बीटा की आइडेंटिफिकेशन है, बट आपसे कौन सा पूछ रहा है, अल्फा। तो अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा में डिफरेंस ये है, इस OH को नीचे कर दो लास्ट में आप, बाकी सारे तो वैसे ही लगाने हैं, एनोमेरिक कार्बन पे ही तो कॉन्फिगरेशन डिफर है। या ये याद रख लो अल्फा ग्लूकोज में फर्स्ट दोनों OH कहां होते हैं, नीचे की तरफ। चलो ऑप्शन में चेक करते हैं, ये देखो फर्स्ट टू OH सेम साइड है, उसके बाद आगे वाला अपोजिट आया, फिर अपोजिट आया, फिर अपोजिट आया, यही आपका आंसर था। ट्रिकी अगर आपको याद है तो। यहां गड़बड़ क्या हुई, ये OH इसने बीटा पैटर्न से लगा दिया, ये अपने आंसर में नहीं आएगा। ये तो परफेक्ट दिया है OH OH, बट ये सेम साइड दे दिया इसलिए ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। ये वाला आपने कहें तो ये फर्स्ट सेकंड दोनों को अपोजिट दे दिया, ये भी नहीं चलेगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, इसका 79 का 1 रहेगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर फॉलोइंग एमाइंस। गिवन एमाइन को बेसिक बिहेवियर के ऑर्डर में सेटल करना है। बेसिक बिहेवियर एमाइन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पहले भी कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन का नयापन क्या है, आपको दो वेराइटी के मोलिक्यूल दिए गए हैं, मिथाइल एमाइन वाले भी दिए हुए हैं, इथाइल एमाइन वाले भी दिए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे कोई वैसे लॉजिक नहीं चलता है, सिंपल अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर आर मिथाइल देकर के एक्वस मीडियम में या विदाउट मीडियम के बाद, मीडियम नहीं दिया है तो भी अपन एक्वस मीडियम की बात करेंगे, बेसिक बिहेवियर पूछ रहा है तो हमारे पास सीधा सा ऑर्डर क्या रहता है, 2-1-3, मतलब 2 डिग्री बेस्ट रहता है 1 डिग्री से, फिर 1 डिग्री के बाद आता है 3 डिग्री, ठीक। और अगर अमोनिया भी साथ में लेना हो तो साथ में 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 2130 एक फिगर याद रख लेते हैं। और अगर आर इक्वल इथाइल आता है तो वो फिगर हो जाता है बेटा 2310, ठीक। ये बेसिक बिहेवियर का ऑर्डर लगाने की टेक्निक है, इंडिविजुअल मिथाइल या इथाइल के केस पूछे जाएं, बट आपको दोनों केस मिक्स करके दिए हैं तो इसके लिए फिर एक नई ट्रिक ये है, आर अगर इथाइल है तो इथाइल के केस में कौन सा है, 2-3-1, बेसिक बिहेवियर का ऑर्डर ये है। और आर मिथाइल के केस में अपन कहें तो क्या है, 2-1-3, ये वाला ऑर्डर है। तो यहां ये वाला मैंने लगाया मिथाइल वाला, ये मैंने लगा दिया इथाइल वाला, इथाइल बल्कि ग्रुप है इसलिए मैं ये ट्रिक में मानता हूं कि वो पहले आएगा, मिथाइल पीछे आएगा। तो यहां जो फाइनल ऑर्डर बनेगा वो कुछ इस तरह का ऑर्डर होगा, और इस ऑर्डर में अपन कहें तो ये जाकर के यहां सेटल होगा, ये जाके यहां सेटल होगा। ओवरऑल इसको यूज करें तो मैं ये मानूंगा कि अगर इथाइल वाले और मिथाइल वाले केस आपके पास मिक्स है तो ज्यादा अच्छा बेस होगा इथाइल वाला 2 डिग्री। तो देखो अब ऑप्शन में काम देखो क्या है, इथाइल का 2 डिग्री यहां है, ये मिथाइल का 2 डिग्री आ गया, ये अपना आंसर हो नहीं सकता क्योंकि अपने को ओवरऑल बेसिक बिहेवियर ऑर्डर बताना है। इथाइल का 2 डिग्री यहां भी है, ये भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये मिथाइल वाला होगा। इथाइल के 2 डिग्री के बाद आपको लेना है 3 डिग्री, जो आपको दिया ही नहीं गया, इथाइल का 3 डिग्री दिया नहीं हुआ है, तो 2 डिग्री के बाद ये आपके पास अवेलेबल नहीं था, तो अब आपको 2 डिग्री लेना है किसका, अब 1 डिग्री इथाइल का नहीं लेना है, कौन से वाला लेना है, मिथाइल वाला। तो 2 डिग्री मिथाइल वाला लोगे तो इस ऑप्शन में देखो मिथाइल वाला 2 डिग्री दिया हुआ है, जब यहां पे भी मिथाइल वाला 2 डिग्री, मतलब अभी भी दोनों ऑप्शन पैरेलल चल रहे हैं। अब उसके बाद 1 डिग्री जो आना है वो किसका आना है, इथाइल वाला, क्योंकि ये और इसके बाद ये 1 डिग्री बाद में आएगा मिथाइल वाला। तो 1 डिग्री इथाइल वाला देखें तो यहां दिया है, यहां नहीं दिया, इसलिए आपका आंसर कंफर्म हो जाता है कौन सा, फर्स्ट। ये मैंने ट्रिक से बताया है, बाकी अगर आप डाटा देखें तो एनसीईआरटी में डाटा भी गिवन है। इसका इसका पीकेबी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग है,
फिर रेगुलर वो इंक्रीज करता जाएगा, पीके भी इंक्रीज होगा तो बेसिक बिहेवियर डिक्रीज होगा, 3 पॉइंट समथिंग, फिर आगे आगे जाते जाते वो वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो क्वेश्चन ये था, अब ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन आंसर नंबर आएगा इसके लिए 1। तो सीधा ट्रिक से याद रख लेना, 231, 213, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल वाले केस में, ये मिथाइल वाले केस में, और इसको यहाँ पे जाके आपने सेटल करना है। तो ये पूरे इथाइल के कंप्लीट करके मिथाइल वाले नहीं आएंगे, 2-3 डिग्री के बाद आपको मिथाइल वाला लेना है। ठीक बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद 81। एनिलीन प्रोड्यूस शिफ्ट बेस ऑन रिएक्शन विद एनिलीन, का शिफ्ट बेस किससे जनरेट होगा, अमोनिया से, एसिटिल क्लोराइड से, बेंजल्डिहाइड से। देखो क्या होता है, कार्बोनिल मॉलिक्यूल जो है वो प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, शिफ्ट बेस। कंसेप्ट इसका ये है। तो आपके पास एनिलीन के लिए वो कह रहा है, तो एनिलीन क्या है, प्राइमरी अमाइन ही तो है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। तो यहां से देखो कार्बोनिल कौन सा है, अमोनिया, एसिटिल क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड और बेंजाइल एल्कोहल। तो कंफर्म अपना आंसर कौन सा जाएगा, 3rd जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद 82 में, फॉर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल गिवन है आपके पास, एल्डिहाइड एल्डिहाइड गिवन है, विदाउट अल्फा एच की गिवन है, और बेस दिया हुआ है, हीट दी हुई है। तो बेटा विदाउट अल्फा एच का एल्डिहाइड बेस के साथ दे रखा है, इसका मतलब एक फेमस रिएक्शन आपके माइंड में आएगी, एल्डोल कैनिजारो, दो होती है, अल्फा एच है तो एल्डोल और अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो, और कैनिजारो अगर करानी है तो आपको मालूम है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो यहां पे होगी, 1 ग्रुप कन्वर्ट होगा एल्कोहल में, 1 ग्रुप कन्वर्ट होगा एसिड के सॉल्ट में। तो ये वाला रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है, ये बेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, दोनों एसिड के सॉल्ट में भी नहीं, तो 3rd आंसर आपको देना चाहिए, ये कैनिजारो थी। तो यहां पे 82 का आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखें इसके बाद 83 में मॉलिक्यूल गिवन है और यहां पे वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। देखो आपने इस मॉलिक्यूल को एल्कोहली के से रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, एल्कोहली के एच की प्रेजेंस में अपन कहें तो E2 एलिमिनेशन होते हुए E2 एलिमिनेशन करवाएंगे और एक एल्कीन प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे, ये Cl और ये H अगर रिमूव करते हैं या ये Cl और ये H रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ऐसा सा ऑप्शन होगा, यहाँ अपन कहें ये प्रोडक्ट बन गया पहले स्टेप में। फिर अगले वाले स्टेप में पावरफुल, आपको पता है Cl का यहाँ पे DBC जनरेट हो रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से आगे वाला बेस स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है। एच और ये Cl जाकर के क्या करेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में NaNH2 का 1 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ और जो प्रोडक्ट बना वो ये बना, लेकिन उसके साथ NaNH2 की एक रिएक्शन और होगी, एसिड बेस रिएक्शन। ये NH2 इस H को लेकर के अमोनिया बनाएगा और इसे सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा सोडियम एल्काइनाइड में, और ये जो सोडियम एल्काइनाइड है ये C2H5 से रिएक्ट होकर के करेगा क्या, C2H5 Cl के ऊपर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता हुआ इस Cl को रिलीज करेगा, तो ये प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन उसका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे एक्स कितने कंज्यूम हुए, 1 का यूज तो आप HCl को रिमूव करने में कर रहे हैं और 1 का यूज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस H को रिमूव करने में। तो ओवरऑल कितना आंसर आया, 2, ये रहेगा 2nd आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज इनकरेक्ट, आपके सामने 4 स्क्रीन पे नेम है, देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल में मैं बात करूं तो मैं नंबरिंग करूंगा इस मॉलिक्यूल की, ये 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को मुझे वेटेज देना था, मल्टीपल बॉन्ड के साथ अगर सबस्टिट्यूएंट भी 1 नंबर लेता है बहुत अच्छी बात है, मल्टीपल बॉन्ड पे रेगुलर नंबर लगने थे इसलिए आगे वाला मिथाइल 5 पे गया। तो ये क्या कहता है, 1,5-डाइमिथाइल जैसा आ रहा है बिल्कुल, साइक्लोपेंटीन परफेक्ट नेम है, ये रॉन्ग नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट पे जाइए, एल्कोहल गिवन है बेटा, 2 कार्बन ये रहे, 2 यहाँ से भी हैं, तो मैं ये नंबरिंग कर लूँ 1, 2, 3, यहाँ पे ये देख लो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये नंबरिंग हो जाएगी। ये नंबरिंग हुई तो इसके अंदर क्या है, 3 और 4 पे मिथाइल है, 3,4-डाइमिथाइल, पेंट 1 इन 3 ऑल, बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी परफेक्ट है, क्योंकि मैं नंबरिंग कहीं से भी करूँ ऑल को नंबर 3 ही मिलना है, तो ये नंबरिंग प्रॉपर थी। इसमें जाएं अपन तो अपने को मालूम है मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू होगी, अब मल्टीपल बॉन्ड से शुरू करके मैं यूं भी जा सकता हूँ,
मल्टीपल मोड से मैं ऊपर की साइड भी जा सकता हूं, पर जाना मुझे यूं होगा 1 2 3 4 5 6, क्यों? सबस्टिट्यूएंट के लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सही करने के लिए। यूं गया तो लोकेंट का सेट बना 3 3 6, अगर ब्रोमो की साइड से अल्फाबेट के चक्कर में जाता तो 3 6 6 हो जाता, ये नंबरिंग गई, तो ये 6 ब्रोमो ठीक है, 3 3 डाइमिथाइल ठीक है, साइक्लोहेक्सीन ये भी सही, तो पहले तीनों करेक्ट है। अब आपके पास इनकरेक्ट यही होगा, पर फिर भी देख लेते हैं क्यों इसमें इनकरेक्ट के पीछे रीजन क्या है। यहां मैं कहूं तो नंबरिंग कैसे करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 ये जाएगी, क्योंकि अपने को OH को वेटेज देना है। अब OH को यहां से वेटेज दें तो 1 2 मिलता, यूं जाए तो भी 1 2 मिलता, यूं जाते तो यहां पे ये 4 पे आता, ये 3 पे आ गया मल्टीपल बॉन्ड, तो इसलिए बेस्ट नंबरिंग ये थी। 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटीनोल वन ऑल, तो बेटा ओल थोड़ी डाइओल है, हाइड्रोक्सी क्यों कह रहा है, मेन फंक्शन ग्रुप को हाइड्रोक्सी कह रहा है, इसलिए यही आपका आंसर रहेगा 4th। नेक्स्ट देखें इसके बाद, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल में हम जानते हैं कंडेंसेशन वैरायटी के जो पॉलीमर होते हैं उनमें वाटर रिलीज होता है, कंडेंसेशन पैटर्न यही है, बट उस कंडेंसेशन का मीनिंग अगर आप यहां से लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जल अपघटन अभिक्रिया सन्निहित है, वो कंडेंसेशन की बात कर रहा है, संघनन की बात कर रहा है, नहीं, क्योंकि अगर वो सोचेंगे तो बेटा नायलॉन 6 6 6 बेकेलाइट टेरिलीन सारे कंडेंसेशन, फिर आपका आंसर सारे आंसर है नहीं। यहां जो ये कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस हो, तो बेटा यहां अगर मैं इन चारों के बारे में जानता हूं तो आप जानते हैं, तो आपको पता है नायलॉन 6 जब आप बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो ये वाली होती है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम को पहले आप हाइड्रोलाइज कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, यूं से ये कट होगा मॉलिक्यूल और ये कन्वर्ट होगा किसमें, एमिनो कैप्रोइक एसिड में, ये मॉलिक्यूल जिसका आगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने से नायलॉन 6 पर्लॉन बनेगा। लेकिन आपने यहां पे पहले ये जो प्रोसेस कराया हाइड्रोलाइसिस, ये बात इसकी कर रहा था, जबकि बैकेलाइट में ऐसा नहीं होता, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की डायरेक्ट रिएक्शन करा के प्रोडक्ट का कंडेंसेशन कराते हैं, नायलॉन 6 6 में हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड को डायरेक्ट कंडेंसेशन कराते हैं, टेरिलीन में भी एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड लेकर के कंडेंसेशन शुरू करते हैं, हाइड्रोलिसिस स्टार्टिंग में नहीं आता, यहां हाइड्रोलिसिस आता है, इसीलिए आपको क्या देना था, आंसर 1 देना था। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जीआई का केस है बेटा, जीआई के एल्कीन वाले सबसे सिंपल केस, एल्कीन में अपने को देखना क्या है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके रेस्ट्रिक्ट कार्बन के ऊपर, क्योंकि 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए जो इनमें होता है, ग्रुप 4 होने चाहिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 प्लेनर होने चाहिए, दोनों कार्बन sp2 है वो भी है, बट एक लास्ट कंडीशन जो आपको डिफाइन चेक करनी होती है वो क्या, रेस्ट्रिक्ट एटम पे दोनों ग्रुप डिफर होना, तो बेटा ये दोनों डिफर हैं, ये दोनों डिफर हैं, इसका मतलब जीआई शो करेगा, तो यहां पे कह रहा है नहीं करता है, नोट शो, देखना ये नहीं है जो शो कौन करेगा, जो नहीं करेगा वो देखना है, तो फर्स्ट अपना आंसर नहीं है। सेकंड में गए तो ये भी बेटा दोनों साइड में डिफर ग्रुप रख रहा है, शो करेगा जी, यहां भी देखें दोनों ग्रुप हैं डिफर, ये शो करेगा, ये बेटा क्लोरो क्लोरो डिफर नहीं है, सेम है, यही प्रॉब्लम है, यही आपका आंसर है, ये जीआई शो करने वाला मोलिक्यूल नहीं था, 4th देना होगा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखें इसके बाद, द रिएक्शन इज कॉल्ड, आपके सामने एक रिएक्शन दी गई, रिएक्शन है क्या बेटा, आपके पास प्रोपेन है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन और फाइनली आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है प्रोपाइन में। अब इसमें आपने किया क्या है, आपने KOH लेकर के E2 रिएक्शन करवाई है Br के साथ H, Br के साथ H, बोले तो ये वाला आपने एलिमिनेशन करवाया है, एलिमिनेशन में हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है, हैलोजन भी रिमूव हुआ है, डीहैलोजिनेशन कहोगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहोगे, डीकार्बोक्सिलेशन कहोगे या डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन में वाटर लूज होता है निर्जलीकरण में, इसलिए अपना ऑप्शन नहीं है, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 जाता है, CO2 की कोई बात ही यहाँ नहीं हो रही, डीहैलोजिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन दो ऑप्शन है आपके पास, बेटा डीहैलोजिनेशन हैलोजन तो रिमूव हो रहा है लेकिन वहां पे अपन कहें तो हाइड्रोजन भी साथ जा रहा है, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन अपने पास फर्स्ट नहीं सेकंड है, सेकंड है जिसको अपन वी हाइड्रो हैलोजनीकरण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कहें हम इसके बाद,
यस, आपको 88 क्वेश्चन में क्या दिया गया, थ्री मॉलिक्यूल एसिटिलीन के रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करना, एक फेमस रिएक्शन है, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। भाई आपके पास एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करिए, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करिए, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करिए, और ये साइक्लिक ट्राइमराइजेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बेंजीन में। ये तो बेटा आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ए तक पहुंच गए आप। आगे वाली भी एक फेमस रिएक्शन है, कौन सी, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, लेविस एसिड इस सीएल को निकाल के आपको कैटायन दे देगा प्राइमरी, उस प्राइमरी पे आप उसका शिफ्टिंग करा करके कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। मतलब आपके पास जो कैटायन होगा न्यू फॉर्म वो कुछ है ऐसा। अब इसको ला करके आप बेंजीन के ऊपर ये एच लूज करिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन कराना, ये यहाँ ला के ऐड करिए, तो ये यहाँ ला के ऐड करोगे तो ये ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे आप इस ग्रुप को, ये वाला ग्रुप रहेगा, ये वाला, ये आएगा, तो ऐसा ही आपको दे रखा है इसने, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो इसलिए आपके पास जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, सेकंड आएगा। नेक्स्ट देखें, इसके बाद ये हाइड्रोकार्बन विद फॉर्मूला C8H18 गिव वन मोनोक्लोरीन क्लोरो डेरिवेटिव द हाइड्रोकार्बन इज, मॉलिक्यूल बताना है जो मोनोक्लोरीनेशन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर पाए। अब एक दिया है नॉर्मल एक्टेन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन बेटा ये, अब मोनोक्लोरीनेशन कराओ तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें वन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वन क्लोरो टू क्लोरो थ्री क्लोरो फोर क्लोरो ऑक्टेन, इस टाइप से आपके पास ऑप्शन बन जाएंगे चार। चलिए टू मिथाइल हेप्टेन, अब यहीं पे मान लो ये होता, ये हेप्टेन होता और टू पे मिथाइल होता, फिर भी आप एक ऑप्शन नहीं बता सकते, वन डिग्री पे थ्री डिग्री पे टू डिग्री पे बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं आप। 2-4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2-4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, यहां पे भी देखोगे तो वेराइटी ऑफ एच आपके पास काफी सारे हैं। लास्ट जाइए 2-3-3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, 2-3-3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो बेटा ये वो कार्बन है जहां तो आप हेलोजिनेशन कर ही नहीं पाओगे। अब रिमेनिंग आपके पास 6 कार्बन है और सब 1 डिग्री है, सबके ऊपर एच का नंबर 3-3 है, किसी भी लोकेशन पे आप क्लोरीनेशन करिए, नेम सेम आएगा, प्रोडक्ट सेम होगा, तो चांस ही आपके पास एक ही है और यही वो पूछना चाहता है। एक हाइड्रोकार्बन 8 कार्बन वाला बताना है आपको, ये 8 कार्बन कंटेनिंग है, केवल एक मोनोक्लोरो प्रतिस्थापी, केवल एक प्रोडक्ट दे मोनोक्लोरो प्रतिस्थापी, तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लेना चाहिए, आंसर इसका क्या रहेगा, 4th रहेगा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज एडेड टू सोप मेक इट एंटीसेप्टिक। सोप के अंदर आप क्या मिक्स करें कि वो एक एंटीसेप्टिक सोप में कन्वर्ट हो जाए, आयोडीन KMnO4 क्लोरीन बाई थायोनल। तो देखो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, आप अगर वहां पे एंटीसेप्टिक या पुतिरोधी पढ़ें तो उसके अंदर जितने भी एंटीसेप्टिक दिए हुए हैं उसके अंदर बाई थायोनल ये एक इस टाइप की स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल है जिसके लिए दो नाम भी चलते हैं, बाईथायोनोल भी कहते हैं, बाईथायोनल भी कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये सोप में ऐड कर दिया जाए तो वो एंटीसेप्टिक या अपन कहें मेडिकेटेड सोप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, बाईथायोनल ऐड करते हैं अपन उसको कैसा सोप बनाने के लिए, एंटीसेप्टिक सोप बनाने के लिए। ये आपके एनसीईआरटी की सीधी सीधी एक फैक्चुअल लाइन है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास इसका आंसर रहेगा, ये आपका ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन था बच्चों। ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, तो नो डाउट इसमें आपका कोई छोटा मोटा कोई डाउट रहा है तो दूर हो गया होगा, किसी चीज़ का कंफ्यूजन है दूर हो गया होगा। जय जय CLC, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दंगल में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी और सुचारू करिए और अच्छा है उसमें और बेहतर करने का प्रयास करें। जय जय CLC। मैं नवीन जोशी, टीम केमिस्ट्री CLC जीकर, कंटिन्यू करते हैं इस दंगल की सीरीज को, और पहले दो पेपर उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा हुआ होगा और लास्ट पेपर भी अच्छा हुआ होगा। तो दंगल के 3rd पेपर में जो केमिस्ट्री का सेगमेंट है फिजिकल केमिस्ट्री, वो अपन डील कर रहे हैं बेटा, इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं, बढ़िया से ट्राई कर रहे हैं,
और कोई डाउट हो आपका यहाँ क्लियर होगा, उसके अराउंड जो भी कंसेप्ट हो आपके साथ डील करूंगा। और सीएलसी का ये जो प्रयास है लास्ट में 10 मेजर करवाना, 10 मेजर का मतलब हर पेपर में 200 क्वेश्चन, 10 पेपर मतलब 10 मेजर में 2000 क्वेश्चन होंगे, और अब तक कम से कम 12000 क्वेश्चन दे चुका है सीएलसी, और इसके अलावा कभी संभव नहीं कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर इतना जो प्रयास है, इतने सारे क्वेश्चन की वेराइटी है, कोई क्वेश्चन का रिपीट नहीं होना, ये इतनी एक अथक प्रयास है जिससे बच्चा सिलेक्ट होगा ही होगा। यहाँ पर जो कैंप लगते हैं, तो प्लीज़ आप इन दंगल पेपर को बहुत आराम से दे, अच्छे से दे, क्योंकि आपका जो एवरेज यहाँ पर बनने वाला है दंगल पेपर का, उससे 40 से 50 नंबर ज़्यादा ही बनेंगे जो मेन एग्जाम है। तो प्लीज़ आप सीरियसली होकर पेपर दे रहे हैं और देते रहें, बस लास्ट फाइटिंग है, लास्ट ओवर है, इसमें बढ़िया से खेलना है अपने को, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सोल्यूशन। तो 63 नंबर क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का अपना मोल कंसेप्ट से है। क्वेश्चन इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टीमेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो अलग अलग मेथड्स अपन ने सीखे हैं, जेलडार मेथड सीखा है नाइट्रोजन के एस्टीमेशन के लिए, ड्यूमा मेथड अपन ने सीखा है। तो बोला जाए ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन जो है उसमें जो पहले सैंपल लिया गया, मास सैंपल का दे रखा है 2.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 40 ml नाइट्रोजन कलेक्टेड एट दिस टेम्परेचर ओके एंड 725 mm प्रेशर इफ द एक्वस टेंशन ऑफ 25 mmHg at 300 Kelvin temperature, the percentage of nitrogen in the compound. सिंपल सा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन में, सॉरी कंपाउंड जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी आपका सैंपल है, उस प्रतिदर्श में, उस सैंपल में कितना नाइट्रोजन की मात्रा है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, देखो बच्चे इसके लिए फॉर्मूला याद करते हैं, बच्चे इसके लिए रटते हैं चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तो एकदम तरीके से काम करो, आपका आंसर आएगा। आपको क्या निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है, तो चेक कर लो उस सैंपल से जो नाइट्रोजन आई है बाहर वो किस फॉर्म में आई है, एक गैस के फॉर्म में, N2 गैस के फॉर्म में, क्योंकि सामने वाले ने बोला है कि नाइट्रोजन गैस संग्रहित होती है, कलेक्ट होती है। तो जो नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हुई है डाई नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, उसके मोल निकाल लेंगे, मोल से अपन इसका मास या द्रव्यमान निकाल लेंगे, और द्रव्यमान से जो टोटल मास है सैंपल का, उस नाइट्रोजन का परसेंट ही तो पता करना है। तो उस जितना नाइट्रोजन का द्रव्यमान आया, जितना नाइट्रोजन का मास आया है, डिवाइड बाय टोटल जो सैंपल है प्रतिदर्श, उसके मास के भाग लगा देंगे, इंटू 100 करते परसेंट में अपना आंसर आ जाएगा। और ऐसे एक नहीं, ऐसी बहुत सारी वेरायटी है, बच्चे इसको रटते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप तरीके से काम करो, आपका आंसर आएगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, जानबूझ के यहाँ पर कैलकुलेशन दी गई है, क्योंकि बच्चा थोड़ी जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन भी मिस्टेक करता है, और ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती भी है एग्जाम में, ठीक है डियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहली खास बात केस में आपको ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन पर पी वी इज टू एनआरटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं नाइट्रोजन पर क्या अप्लाई करता हूँ, पी वी इज टू एनआरटी। लेकिन खास बात इसमें एक्वस टेंशन दे रखी है 25 mmHg। इसका मतलब क्या है कि जो आपका 725 आ रहा है, 725 टोटल जो प्रेशर आ रहा है, वो पी ऑफ H2O भी है, वेपर का जो टेंशन है वो भी है, प्लस उसके साथ पी ऑफ पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन, दोनों का सम्मिशन है। तो ये 725 जो है वो इस गोज टू किसके हो जाएगा, 25 एक्वस टेंशन, वेपर प्रेशर आ गया, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ एंटोनी आ जाएगा क्या, तो N2 की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना आ जाएगा भाई जी, 700 mmHg। बात समझ में आई, तो ये N2 का प्रेशर आ चुका है। अब पी वी इज टू एनआरटी अपन केवल N2 पे लगा रहे हैं भाई, आइडियल गैस इक्वेशन आप चाहो तो पर्टिकुलर गैस पे लगाओ, आइडियल गैस इक्वेशन आप चाहो तो पर्टिकुलर या टोटल सिस्टम पे लगाओ, एक गैस पे भी आदर्श गैस समीकरण लगा सकते हो, और एक पूरे पात्र के मिश्रण पे भी आप पूरी आदर्श गैस समीकरण लगा सकते हो, कंबाइंड इक्वेशन टाइप बोल सकते हो। इसमें प्रेशर कितना आ जाएगा, 700 बटा क्या करना है, 760, क्योंकि इस इक्वेशन प्रेशर किस में रखा जाता है, एटीएम में। वॉल्यूम पी वी, वॉल्यूम रखते हैं लीटर में, आयतन लिखते हैं लीटर, लेकिन 40 ml दे रखा है, बटा क्या कर देंगे, 1000 बराबर क्या करना है, एन आर कितना है 0.0821, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300। तो इस क्वेश्चन ऑफ ज़्यादा टाइम अपन कैलकुलेशन नहीं खराब करते हुए, यहाँ से जो भी नंबर ऑफ मोल आया, ये एन मोल है, तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो जितने N2 के मोल आए मल्टीप्लाई कर उसके अनुभार से कर देते 28 से, इंटू क्या बटा क्या कर देते, डिवाइड बाई क्या कर देते 25 जो मास ऑफ सैंपल है, और क्योंकि परसेंटेज में रखना है अपने को आंसर, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो ये वो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, नाइट्रोजन का परसेंट, नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन का मास कैसे निकाला, नाइट्रोजन का मोल इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास बटा सैंपल जो था उसका मास रख दिया, उसका द्रव्यमान रख दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा,
ये परसेंटेज, और फाइनली परसेंट कितना था 16.76%। और इस टाइप के कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए आपके लिए सामने ये क्वेश्चन रखा गया। ओके डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं 64th नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो बोला कि राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच बीआर इन BR308, हर बीआर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी। अभी बता देते हैं बेटा जी, मॉलिक्यूल क्या है BR308, सिंपल सा मॉलिक्यूल है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो बातें पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, औसत ऑक्सीकरण संख्या क्या है, और एक पूछा जाता है कंप्लीट हर एक अणु की, उस अणु में हर परमाणु की, उस मॉलिक्यूल में हर एटम की। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। तीन ब्रोमीन है, तीनों ब्रोमीन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्ट्रक्चर से। जब तक आप स्ट्रक्चर सही ड्रॉ नहीं करोगे, आपका आंसर सही नहीं होने वाला। तो पहले मैं BR308 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, BR जो कि नेक्स्ट एक और BR से कनेक्टेड है, फिर नेक्स्ट एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, सममित संरचना होती है। ये दोनों जो लास्ट के दोनों ब्रोमीन है तीन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये भी तीन ऑक्सीजन के साथ, और बीच में जो एक ब्रोमीन होता है वो दो ऑक्सीजन के साथ इस तरह से कुछ कनेक्टेड रहता है। ठीक है डियर, अब मैं जाता हूँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है वो भी साथ के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक बार डील की जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन नीट पे पहले भी आए थे, आते रहते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें डियर। अब इस ब्रोमीन पे देखो ईएन जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो दो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, दो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ईएन इसकी ज्यादा ऑक्सीजन के, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। टोटल चार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, जिसमें ऑक्सीजन के खुद के दो इलेक्ट्रॉन, दो ब्रोमीन के, इस वजह से ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आया, और इस ऑक्सीजन की वजह से भाई जी इस पे +2 चार्ज आया। सही हूं मैं? वैसे वैसे इस एक ऑक्सीजन से फिर -2 आया होगा, इस पे फिर इसकी वजह से +2 आया होगा, फिर इस ऑक्सीजन की वजह से -2 यहाँ, फिर यहाँ पर +2। ओवरऑल इस ब्रोमीन पे चार्ज कितना आ जाएगा भाई जी, +6। क्यों? क्योंकि हर ब्रोमीन तीन ऑक्सीजन से कनेक्ट। अब रही बात इस ब्रोमीन के, तो सेम ईएन के साथ यदि कनेक्टेड है आपस में तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहेंगे, होमोएटम का केस हो गया, तो सम परमाणविक नहीं होता, ऑक्सीकरण अवस्था 0 आती, तो इस तरह के बंध से आपस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनका एक दूसरे इस बंध की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। भाई साहब वापस आ जाओ इस ब्रोमीन पे, तो इस ऑक्सीजन का -2 इस वजह से इस ब्रोमीन पे +2, इस ऑक्सीजन का फिर से -2 इस वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर फिर +2 आएगा, तो ओवरऑल ब्रोमीन किसमें चला जाएगा +4 में। वापस यहाँ जाओ, अब इस ब्रोमीन पर तीन ऑक्सीजन लगे हुए, ये -2 ले जाएगा तो इसमें +2 आ जाएगा, फिर ये -2 ले जाएगा फिर +2 आ जाएगा, ये -2 ले जाएगा ये +2 आ जाएगा, ओवरऑल फिर से क्या हो गया +6। तीनों के ऑक्सीडेशन क्या है, ये की +6 फिर +4 फिर +6, +6 +4 +6, पहले +6 +4 +4 नहीं, +6 +4 +6, आंसर क्या चला जाएगा सेकेंड। अब स्ट्रक्चर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कंसेप्ट को आप काम में ले और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें। ओके डियर, चलो नेक्स्ट आते हैं। सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम रिमेन अनएफेक्टेड ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में स्थिर आयतन पर ऑर्गन अल्प मात्रा मिलाने पर साम्य प्रभावित रहेगा। सिंपल सी बात है, अक्रिय गैस मिलाई जा रही है और नियत आयतन पर मिलाई जा रही है, तो दो केस बताए जाते हैं अक्रिय गैस मिलाने के, और इन जनरली काफी इंपॉर्टेंट केस है। ला सातेलिए सिद्धांत ली चटर्ली प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक तो अक्रिय गैस नियत दाब पे मिलाई जाती है, एक अक्रिय गैस नियत आयतन में मिलाई जाती है। क्वेश्चन वाला नियत आयतन बात कर रहा है, तो नियत आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्चुअली इक्विलिब्रियम पर किसी के कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहता है, ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट आता है, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट आता है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होता। सही बात कहूँ तो मैं, कैसे, जैसे कोई भी आप बात कर सकते हो, ये इक्विलिब्रियम ले सकते हो, ये इक्विलिब्रियम ले सकते हो, है ना, कोई भी एक इक्विलिब्रियम मैं डिस्कस करता हूँ, तो ये जैसे PCl5 है, ये PCl5 किसमें जा रहा है, PCl3 + Cl2,
अब इसमें क्या है, जैसे t बराबर 0 पर इसके a मोल रहे होंगे, t बराबर इक्विलिब्रियम a माइनस x आया, ये x आया, ये मोल से t बराबर इक्विलिब्रियम साम्य वाले, और कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम v कर दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम v कर दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम v कर दिया। आप देखो ना, यदि आप फिक्स वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो स्पीकर में, जहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया पिस्टन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि इनर्ट गैस इसके अंदर मिक्स की, तो इनर्ट गैस से होगा क्या, कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी कंपोनेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इसे रिएक्शन नहीं करने वाला, ना तो ये कोई रिएक्शन करेगा, ना ये इस इनर्ट गैस के साथ रिएक्शन, ना ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो इनके मोल जैसे थे वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, और क्योंकि वॉल्यूम आपने वी रखा है, पिस्टन को लॉक कर दिया है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो इक्विलिब्रियम एक्चुअली डिस्टर्ब हुआ ही नहीं भाई जी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, किसी कंसंट्रेशन कोई इफेक्ट आया ही नहीं, तो इसकी वजह से नो चेंज, चाहे किसी भी टाइप का इक्विलिब्रियम आ जाए, नो चेंज। तो चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, द इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड इन ऑल द थ्री केसेस। बिल्कुल सही बात है, तीनों उदाहरणों में सेम रहेगा, कोई इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट, यदि नियत दाब पे पूछ लिया जाता, तो नियत दाब पर हमेशा अभिक्रिया वहां जाती है जहां पर मोलों की संख्या ज्यादा हो, कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल गैस के ज्यादा हो, क्योंकि आपने कांस्टेंट प्रेशर रखना होता है ना, कांस्टेंट प्रेशर रखना होता है, तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन हमेशा मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होती है। तो 65 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है डियर, नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट दिस टेम्परेचर। जो भी है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम घोलना है, और बड़ी जेन्युइन सी बात है, चलो घोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पानी कितना चाहिए होगा, चेक कर लेते कितना पानी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है इसकी सॉल्युबिलिटी पर, KSP पर, कितनी इसकी विलयता है। इसके लिए KSP जो दे रखी है, सॉरी, इसके लिए जो KSP दे रखी है वो बात करते हैं। KSP क्या होता है भाई जी, CaCO3 दे रखी 10^-8, और CaCO3 कैसे इक्विलिब्रियम रहेगा, CaCO3 ठोस जो है, सॉलिड जो है, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, Ca+2+CO3-2 ये भी एक्वस होगा, जली होगा, ये भी एक्वस होगा, जली होगा, सॉलिड। ठीक है डियर, ये एन मोल्स कुछ जितना भी 1 लीटर में टूटा गया प्रति मोल जितना हो रहा है, ये एस सॉल्युबिलिटी, एस सॉल्युबिलिटी, KSP इज इक्वल टू क्या आता है इसमें, एस स्क्वायर, सॉलिड को लिखेंगे नहीं, तो 10^-8 बराबर एस स्क्वायर आ जाएगा, एस बराबर 10^-4, और सॉल्युबिलिटी अपन डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं बोला जाए तो मोल पर लीटर में। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि 1 लीटर में 10^-4 मोल घुलते हैं, डिजोल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि 10^-4 मोल जो है वो कितने लीटर में डिजोल्व होते हैं, 1 लीटर में डिजोल्व होते हैं। अपने को तो पहले मास की बात करनी, इसका 1 मोल का मतलब कितना मास हो जाएगा, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 × 10^-4 कर दो, इतना ग्राम जो है वो 1 लीटर में डिजोल्व नहीं होगा क्या, ठीक है जी। तो मतलब 10^-2 ग्राम डिजोल्व होता है 1 लीटर के अंदर, ठीक है भाई जी, बहुत अच्छी बात है। तो पूछा है कि 1 ग्राम को कितने में, तो 1 ग्राम को डिजोल्व करना है, ठीक है। तो 1 ग्राम को डिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10^-2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 1 ग्राम को यदि आप डिजोल्व करना चाहते हो, तो 1 लीटर बटा क्या हो जाएगा, 10^-2, तो 1 ग्राम को घोलने के लिए आपको 100 लीटर पानी चाहिए होगा, ठीक है भाई जी। मतलब 1 ग्राम CaCO3 आप डिजोल्व करना चाहते हो, तो 100 लीटर पानी आपको चाहिए होगा इस सॉल्युबिलिटी को देखते हुए। तो इस पे आंसर आ जाएगा सेकंड, तो 66 का फाइनल आंसर अपना सेकंड। चलो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये हुआ डिलीट, नेक्स्ट है 67th नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा है, 67 पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम जब होता है, तो उस स्थिति में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, Q0 होता है, सही बात है,
एडियाबेटिक वॉल्स अपन काम में लेते हैं। उसके अलावा इसमें मुक्त प्रसार फ्री एक्सपेंशन किया गया है, तो इसमें जो भी एडियाबेटिक के लिए अपने को चर्चा करनी है वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं बेटा। यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर जीरो, क्यू तो जीरो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पी एक्सटर्नल जो है फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, पी एक्सटर्नल जीरो है। वर्क डन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, ये हर प्रोसेस के लिए वैलिड है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पी एक्सटर्नल जीरो तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो, इसका इंटीग्रल फॉर्म डब्ल्यू वो भी क्या हो जाएगा जीरो, इससे भी पता चलेगा वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। अब मैं लिखता हूँ फ्लोट की इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रथम नियम डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू क्या हो चुका है जीरो, क्यू क्या हो चुका है जीरो, क्योंकि वर्क डन जीरो, डेल्टा यू की जीरो समझ था क्योंकि क्यू जीरो था और डब्ल्यू भी क्या था जीरो, क्योंकि अपन ने ये दोनों जैसे वैल्यू पुट करेंगे क्यू का और डब्ल्यू का डेल्टा यू क्यू आ जाता है जीरो, तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या हो जाएगा था। अब ऑप्शन डेल्टा टी के लिए, अब सोचो कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है तो ये होता है एन सी वी एम या सी वी सी पी एम जो भी है, एन सी डेल्टा टी लिख सकते हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से ही पता चलती है और यदि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी जीरो है, या फिर इंटरनल एनर्जी जीरो है इसका मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा जीरो, तो आंसर क्यू जीरो डेल्टा टी जीरो डब्ल्यू जीरो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 67, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं 68 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो केमिकल इक्वेशन, ठीक है ए बी सी, फाइंड आउट विच ऑफ द एल्जेब्रिक रिलेशनशिप्स गिवन इन द ऑप्शन 1 to 4 इज करेक्ट, कुछ रिएक्शंस दे रखी है, उन रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने बताना है कौन सा आपस में रिलेशन सही है। ठीक है पहले मैं रिएक्शन देखता हूँ, पहली रिएक्शन जिसमें कार्बन ग्रेफाइड का कंबस्चन हुआ है, दूसरी रिएक्शन जिसमें कंबस्चन तो नहीं बोलना चाहिए, कंप्लीट कंबस्चन नहीं हुआ, इसमें हीट ऑफ कंबस्चन तो नहीं बोलूंगा, जो भी हाफ कंबस्चन जितना भी हुआ है, और तीसरी रिएक्शन जो है उसमें CO का कंप्लीट कंबस्चन हुआ है। अब आप तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए ना, लाइक जो थर्मोकेमिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें जब भी रिलेशन आए तो एक काम किया करो, आप किसी एक रिएक्शन को पकड़ो और उस रिएक्शन को लाने के लिए पहली जो रिएक्शन दे रखी है उससे पहले 2, 3, 4 जितनी भी है उनमें क्या चेंज करना है, ताकि आपने जो पकड़ी रिएक्शन जिस रिएक्शन पर आप काम करो वो आ जानी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है तो आप कोई भी रिएक्शन में काम करो, जैसे मैंने फर्स्ट रिएक्शन को लेके आना है नीचे वाले दोनों काम में लेते हुए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट रिएक्शन लाना चाहता हूँ किससे, नीचे वाले दोनों रिएक्शन को देखते हुए, तो आप ये देखो कि नीचे ये दोनों रिएक्शन दे रखी है इनमें से मेरे को क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि ये रिएक्शन आ जाए, तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूँ क्या, ये डायरेक्ट जोड़ूंगा तो सी ओ से सी ओ कट जाएगा, ठीक है, और हाफ ओ टू वन ओ टू बन जाएगा, तो इक्वेशन में कार्बन ग्रेफाइट प्लस ओ टू से CO2 बन गई, ये इक्वेशन दोनों जोड़, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो x का वैल्यू है वो y x का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में लेके आया हूँ, वो कैसे लेके आया हूँ, y और प्लस z इन इक्वेशंस को जोड़ दो। आप सबको बताया कि h जो होता है जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्तीर्ण गुणधर्म है, जो कि आप नॉर्मल रिएक्शन को जोड़ोगे तो एल्जेब्रिक तरीके से वो भी जुड़ जाएगी, तो इन दोनों अभिक्रियाओं को जो मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करता हूँ बी और सी को, तो मेरी ए रिएक्शन आ जाती है, इनका हीट भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो एक्स जो है वो क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा, तो मेरे को ऑप्शन बस इतना ही चेक करना कि एक्स कहाँ वाई प्लस जेड है, यहाँ पर एक्स क्या है जेड माइनस वाई नहीं, यहाँ पर एक्स क्या है वाई माइनस जेड नहीं, यहाँ एक्स क्या है वाई प्लस जेड, आंसर ही आ गया थर्ड, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, सिंपल सा है, यदि मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी है वो भी कर लो यार, यदि डिवाइड करने की जरूरत वो भी कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड गुणा भाग जो भी करेंगे डेल्टा एच में करना पड़ेगा, रिएक्शन को उल्टा करना पड़े वो भी कर लो, तो माइनस प्लस बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो बड़े ही लल्लू टाइप के क्वेश्चन मानता हूँ मैं इस रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन को, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि नीट में आता तो मुझे नहीं लगता कि आपको गलत करना भी चाहिए क्या, क्योंकि रिएक्शन को एक रिएक्शन को लेकर चल लो और उन रिएक्शन को चेंज करके पहली बार रिएक्शन लेके आनी है, वो आपकी डिपेंडेंसी किस रिएक्शन को आप लेके चलते हो उससे आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये क्वेश्चन पहले रिएक्शन को लिया, अब मैं दूसरी रिएक्शन को लेता पहली और तीसरी लेके आता उसको
तब भी आंसर वही आता, मैं पहले दूसरे लोग को 30 लाइन जाता तब भी वही आंसर आता, चाहे किसी को कर लो भाई। आपको बस ये थोड़ी सी टेक्निक होनी चाहिए इसका, इन क्वेश्चन करने का ट्रिक और तरीका ये भाई जी, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट इसको हटा देते हैं अब, ये लो जी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 69। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वर्ड, रिक्तिका के आकार का सही क्रम है। तो देखो मैं छोटी सा एक तरीका मेरे को याद, जितना ज्यादा बड़ा घेरा बनता है इसका उतने ज्यादा लोग उसमें मिलके बने होंगे ना, जितने ज्यादा ऐसे घेरे बनाए हाथ पकड़ के लोग एक दूसरे को, तो जितने ज्यादा लोग होंगे वो घेरा उतना बड़ा नहीं बनेगा क्या? तो मेरा ये मानना है कि वॉइड में जितने ज्यादा एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूलभूत कण आएंगे सम्मिलित होंगे उस वॉइड का आकार भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं बात करूं घनी रिक्तिका, उसमें 8 जने मिलकर बनाते हैं उस रिक्तिका को, सबसे बड़ी रिक्तिका होती है। और इससे और आप आ गया हूं, मैं बात करता हूं अष्टफलक की रिक्तिका, तो उसे जस्ट छोटी होती लेकिन 6 जने मिलकर बनाते हैं अष्टफलक की रिक्तिका को। लोग कम हुआ तो घेरा भी जो बीच में रिक्तिका थी वो भी छोटी हुई। चतुष्फलक की पाहू, चतुष्फलक में कितने होते हैं? 4 जने होते हैं तो रिक्तिका और छोटी हो गई। त्रिकोण टू डी रिक्तिका की बात करें, उसमें 3 जने मिलते हैं और छोटी हो गई। या तो आपको त्रिज्या का अनुपात याद है, रेडियस रेशो याद है, उससे बढ़िया नहीं थी स्ट्रिक से काम होगा आपका। तो सबसे ज्यादा जितने ज्यादा मिलकर घेरा बनाएंगे उतना ज्यादा वेट का आकार बनेगा, तो घनी रिक्तिका सबसे ज्यादा आ जाएगी। और उसके बाद OHV, क्योंकि इसको 6 जने मिलते हैं और टीच भी सबसे कम होते हैं, इसके साइज भी बेचारे का छोटा रह जाता है, तो सबसे ज्यादा क्यूबिक की आ जाएगी। उसके बाद में OHV की, इसमें 6 जने होते हैं, और फिर THV टेट्राहेड्रल, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन सॉलिड का, इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्ट फॉर द गिवन सेल, इस सेल के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है? तो बेटा ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, गलती से गलत नहीं पढ़ते हैं, सही पढ़ लेते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए गलतियां नहीं करनी, ठीक है। चलो सेल दे रखा है, सेल से पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड में जो एनोड है, राइट साइड में जो कैथोड है, एनोड की रिएक्शन लिखना चाहूँ तो Mg जो है वो किस में जा रहा है, Mg+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की बात करूँ Cu+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किस में जा रहा है, कॉपर में। नेट सेल रिएक्शन की बात करूँ तो Mg+Cu+2 से प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mg+2 एंड Cu, ठीक है जी। Mg इज एनोड, ठीक है, Mg का ऑक्सीडेशन और Mg एनोड, ऐसा ही बात है। Cu इज कैथोड, Cu कैथोड, ठीक है, कॉपर का कैथोड बना हुआ, ठीक है, कॉपर का ही कैथोड है, अपन ने कॉपर का कैथोड लिया, मेटल मेटल लाइन है, ठीक है। द सेल रिएक्शन इज, सेल रिएक्शन Mg एंड Cu+2 रिएक्शन कर रहा है, Mg+2 एंड Cu बन रहा है, ठीक है। Cu इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर प्लस टू। तो इस सिचुएशन में क्या बोलूंगा कि कॉपर प्लस टू जो है वो रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर प्लस टू होगा। और बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, सर यहाँ कैथोड जो है Cu+2 का लिखना चाहिए क्योंकि वो रिड्यूस नहीं, कैथोड मेटल के नाम के साथ ही दिया जाता है, जिंक का एनोड है कि जिंक का कैथोड, ऐसा बोला जाता है, ना कि ये बोला जाता है कि Zn+2 का कैथोड है कि Cu+2 कैथोड, ऐसा नहीं बोला जाता। इस कंडीशन मेटल का इन जनरल नाम लिया जाता है, एक जनरल चीज है ये। और यदि बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आयन है कि वो न्यूट्रल मेटल है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है। और एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा NCERT का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसलिए जनरलाइज करके अपन बात कर रहे हैं। और कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉपर प्लस टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई जी, तो ये गलत हो जाएगा, 4th इनकरेक्ट, ठीक है डियर। एग्जाम्पल का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। चलो इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, 2-3 जगह मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए गलतियां ना करो छोटी मोटी, इसलिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा गया है, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर क्वेश्चन, Lambda m infinity या Lambda m0 NH4OH is equal to, मतलब Lambda m infinity कोलराउस सबसे फेमस है,
और इसके चाहे थियोरिटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थियोरिटिकल अलग कम आता है, न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल भी ऐसे आते हैं बेचारे जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आपको चाहिए NS4OH, तो NS4OH चाहिए, तो NS4 अब चेक कर लेते हैं, NS4OH इसमें NS4+OH- आ गया, NS4Cl इसमें ऐड कर दिया तो -HCl कहते हैं। इसमें गड़बड़ पता है क्या, NS4+ दो बार नहीं आ गया क्या? नहीं, अपने को NS4+ में क्या होगा, लेमडा एम इनफिनिटी ऑफ NS4OH होगा क्या, बेसिकली वो होगा इक्वल्स टू लैम्डा, स्मॉल लैम्डा लिखते हैं अपन लोग, लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ NH4+ प्लस लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ OH-, ठीक है डियर। तो अपने को एक NH4+ आना चाहिए, एक OH- आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, NH4+ यहाँ से आ गया, OH- यहाँ से आ गया, अब Cl और N एक्स्ट्रा रह गया, तो NaCl से सब ट्रैक कर दिया, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, NH4Cl में जो है NH4+ का लैम्डा आ चुका है, प्लस Cl- का लैम्डा आ चुका है, और NH4OH में, सॉरी NaOH में Na+ का आ चुका है और OH- का आ चुका है, अपने को लेना देना किससे, OH-, तो एक्स्ट्रा कौन रह गया, ये दोनों एक्स्ट्रा रह गए ना, तो बाद में घटा दिया उन्होंने NaCl को, जो कि नॉर्मली कैलकुलेट हो ही जाता है उस ग्राफ से, तो NaCl वाला घटा दिया, तो बस क्या गया, NH4+OH-, इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। चलो, तो 71 का आ गया सेकंड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, और सही बात बतानी है, सिंपल सा ग्राफ दे रखा है, देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नीट 2022 में भी, मतलब उम्मीद है आने की, और 21 में तो आया ही था, इससे पहले भी 2-3 साल पहले भी इस तरह के ग्राफ के क्वेश्चन आए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ चैप्टर के, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की उम्मीद नहीं रहती, पहली बात तो, और ग्राफ वाला एनालिसिस बड़ा प्यारा होता है इस कंपेयर टू नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, जैसे इस ग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ चुकी है, ठीक है डियर। तो बोल रहा है सही बात, और फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, वैसे एनर्जी डायग्राम सबको पता है, एनर्जी होती है रिएक्शन जैसे आगे जा रही है, वो यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉर फॉरवर्ड, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉर बैकवर्ड। चलो पढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1+E2, बिल्कुल सही बात है, फॉरवर्ड के लिए इतनी टोटल है और ये E1 यहाँ तक हो गई प्लस E2, तो टोटल यहीं तक ही होती है E1+E2, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, प्रोडक्ट ऊपर है और रिएक्टेंट नीचे है, देखो जिसकी एनर्जी जो है ये ई ऑफ रिएक्टेंट रही होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ कहीं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रही होगी, तो जिसकी एनर्जी कम होती है ना उसकी स्टेबिलिटी एक्चुअली ज़्यादा होती है, जो जितना ज़्यादा नीचे है जिसकी एनर्जी जितनी कम है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या है ज़्यादा, इसने करेक्ट ही पूछा होगा, कंसीडर फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, सही है, तो यही करेक्ट हो गया, पहले ही करेक्ट हो गया, फॉरवर्ड के लिए E1+E2 एक्टिवेशन होगी और उत्पाद जो है वो क्रियाकारक से कम स्थायी, सही बात, उत्पाद कम है क्रियाकारक ज्यादा स्थायी है, क्रियाकारक या अभिक्रियक भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है डियर, तो उसकी ऊर्जा कम होने के कारण ज्यादा स्थायी हो गया, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा थियोरेटिकल, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलो डियर आगे चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में ही सिंपल से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, ईजी से क्वेश्चन है, अपन उम्मीद करते हैं क्योंकि सेलेक्ट करना है, तो उम्मीद करता हूँ तुमने फिजिकल के सेलेक्ट किए होंगे, आसानी सीखे हैं मेरे हिसाब से, और इसे पता चलता है सब अपना आंसर यही है, इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है आंसर आपके सामने होता है। चलो, पीएच ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड इज दिस व्हाट, सॉरी जो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन की पीएच दे दी, तो बोला गया है कि उसको डाइल्यूट किया 100 गुना, तो पीएच क्या होगी, तो पहली बात तो पीएच जो आई है वो 5, इसका मतलब क्या है, H+ की जो कंसंट्रेशन है सांद्रता है 10^-5, ये टोटल भी बोल सकते हो क्योंकि पानी में जो पानी खुद के H+ है वो इसके सामने नेगलिजिबल मान के अपने टोटल H+ पीएच उस स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले की वजह से लिख दिया, ठीक है। इसको 100 टाइम डाइल्यूट करोगे 10^-5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन से कम होती है, 100 टाइम 10^-7 आ गया, तो H+ की कंसंट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से थे वो कितने हो चुके हैं 10^-7, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि सर इसमें आंसर 7 आ जाना चाहिए क्योंकि H+ इतना है तो पीएच 7, नहीं,
पीएच 7 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच प्लस है। क्या पानी में खुद के, जब पानी खुद टूटता है तो उसके खुद के एच प्लस नहीं होते हैं क्या? ओ एच माइनस में, तो इसके खुद के 10^-7 एच प्लस नहीं होंगे क्या? वो भी तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब जुड़ने लाइक बन चुके हैं तो वो भी आपको इसमें ऐड करना ही होगा। तो ओवरऑल जो एच प्लस आएंगे, ये सॉल्यूशन एनसीईआरटी में दे रखा है एकदम आराम से, ठीक है। इसको कॉमन आइन इफेक्ट से भी कर सकते हैं अपन लोग, इसको कॉमन आइन इफेक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल सा कर रहा हूँ, विदाउट कॉमन आइन इफेक्ट ही कर रहा हूँ, समान प्रभाव के बिना कर रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से। 10^-7 पानी के हो गए, 10^-7 ही इसके हो गए, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे? पी एच कितने? 7 - log 2, दैट इज 6.7, 0.3 होता है log 2 की वैल्यू, तो इसमें आंसर हो जाएगा। और एक और बात बताऊँ, इस क्वेश्चन के हालांकि इसमें क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ती है, कॉमन आइन भी लगाते हैं, तो उससे भी हो सकता है, लेकिन उससे भी आंसर 7 से कम आएगा। इस क्वेश्चन में जानबूझ के ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि तुम्हें ये भी नहीं करना पड़े। आप एक बात सोचो कि एक एसिड था जिसकी पीएच 5 थी, क्योंकि 7 से कम और एसिड है, आपने उसको पानी मिला के डाइल्यूट किया। एक बात सोचो कि यार किसी एसिड में आप पानी मिलाओगे तो वो एसिड ही रहेगा ना यार, वो बेस थोड़ी बन जाएगा। आपने किसी एसिड के अंदर पानी मिला दिया, उसको डाइल्यूट किया, अच्छी बात है, लेकिन पानी मिला देने वो बेस थोड़ी बन जाएगा, बेस थोड़ी बन जाएगा, वो पानी वैसा का वैसा ही रहेगा, एसिडिक नेचर का ही रहेगा, चाहे कितना भी पानी मिला दो वो सॉल्यूशन एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन दे रखे, मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिए, न्यूट्रल नहीं हो सकता वो, बेसिक नहीं हो सकता वो, बेसिक नहीं हो सकता, बात खत्म। अब मुझे ये बार बताओ किस किस ने ऐसे सोचा बिना कैलकुलेशन के, सीधा ऑप्शन देख के किया है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ ऐसे भी क्वेश्चन कौन करता है यार, ऐसे करने चाहिए, ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चन। आप थोड़ा कॉमन सेंस से करो, मैं ये मानता हूँ, हम लोग बच्चों के ट्रेन करते हैं कि आप थोड़ा कॉमन सेंस, क्योंकि सब्जेक्ट 3 नहीं है, 4 सब्जेक्ट है भाई जी, सब्जेक्ट 4 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड कॉमन सेंस, वो लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे सही हो जाते हैं, ठीक है डियर। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन था, इसमें बच्चे बहुत परेशान, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, और ऐसा मैं नहीं दे रहा ऑप्शन, ऐसा हर एग्जाम में दिए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा पजलनेस ना हो, थोड़ा बुद्धि लगाओ तो, ठीक है डियर। चलो तो ये हो गया, इसमें आंसर आ गया 4th। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो 0.2 मोल दे रखे हैं ग्लूकोज के, तो इसमें कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे? कार्बन के मोल कितने? एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन है, तो जितने इस मॉलिक्यूल के मोल होंगे उसके 6 गुना कार्बन नहीं होगा क्या? भाई जितना ही टोटल अणु है तो उसके 6 गुना कार्बन परमाणु नहीं होंगे क्या? तो कार्बन कितना हो गया? 6 गुणा, तो 1.2 मोल हो गया। ये मोल आ गए हैं, लेकिन एटम्स पूछे अपने को, कार्बन के परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इंटू क्या कर दो एन, 1.2 इंटू एन, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मोल का, और इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेलेक्ट द गैस ऑफ हाइएस्ट डेंसिटी एट 1 atm एंड 27 degrees। डेंसिटी पूछी है गैस की, PV इज टू NRT, से अपन एक फॉर्मूला डायरेक्ट करते हैं, PM इज टू DRT, PM इज टू DRT, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? PM अपॉन RT, तो इससे पता चलता है सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर कंडीशन, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट होगा बेचारा, जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका डेंसिटी ज़्यादा, तो है ना, अगर कर में क्रिप्टॉन का सबसे ज्यादा डेंसिटी हो गया, आंसर हो गया 4th, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m, अब जो 0.2 m जो दिया है, सॉरी 0.2 मोलर जो दे रखा है, वो वीक मोनोप्रोटिक एसिड दे रखा है, जो आयोनाइज 25% ही होता है, तो वही है पाई इज टू ICRT, बिल्कुल प्यारा सरलू सा पाई इज टू ICRT, ठीक है। अब मुद्दा ये आई क्या आएगा यहाँ पर, सी अपने को पता है, आई आ जाएगा क्या, अल्फा इज टू I-1 अपॉन N-1, अल्फा कितना है? 0.25 लिख देंगे, इज टू I अपने को नहीं पता, -1, एच ए मोनोप्रोटिक एसिड है, जब ये टूटेगा तो एच प्लस प्लस ए माइनस, दो आयनों में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -1 हो जाएगा,
तो यहाँ पर वन बचेगा, वन इधर आ जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25 आ जाएगी। चलो यहाँ पुट कर देते हैं, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.0821। और टेम्परेचर कितना दे रखा भाई जी, 300। बस सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने का पाई जो आ जाएगा वो 6.280 अप्रोक्स आ जाएगा। चलो 99 कंप्लीट, नेक्स्ट चलते हैं। हंड्रेड नंबर पे आते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन मेरे को मजेदार लगा, इसने रेट ऑफ रिएक्शन का पूछा है ना कि रेट कॉन्स्टेंट का। बच्चा टकाटक में टिका देते हैं है ना, तो इसने रेट कॉन्स्टेंट का पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन कई बच्चों ने गलती की होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आर। अब एक बात समझना कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा फिक्स रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट नहीं बदलती, के की बदलती है, और ये मोलर पर सेकेंड होता है इसकी यूनिट। तो ये मोलर का मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर, और सेकेंड है जैसे जैसे मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट आंसर 100 का। तो 100 क्वेश्चन का भी सिंपल सा था, अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अपना काम हो गया, ठीक है डियर। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, चलो अब 2 मिनट एक छोटी सी बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ है। देखो यहाँ पर सीएलसी की तरफ से बहुत अच्छे से प्रयास किए जा रहे हैं, नाइट कैंप लगता है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पर बॉस हर बच्चे से, जो 8 से 9 हज़ार बच्चा केवल टारगेट का है, हर बच्चे से बॉस मिले हैं। 70 मीटिंग 17 डे में, और पिछले मार्च से लेकर अब तक 12,500 क्वेश्चन देना। अब तो ये समझो कि जो अथा प्रयास, रात को 12 बजे तक कैंप लगाना, बच्चों को इतना बढ़िया से रखना, खुद बच्चों के साथ रहना 18 घंटा बच्चों के साथ रहना, बहुत बड़ी बात होती है, हर बच्चे से मिलना बहुत बड़ी बात है, इतने सारे क्वेश्चन देना अपने आप में बहुत लेजेंडरी बात है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पेपर अच्छे लग रहे हैं, सब तक शेयर कर अपने दोस्तों को बताएं बेटा। ओके, तो थैंक यू सो मच।